रसमालयम् मुहिरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरये यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयितया तरबोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः संत चरण कमलेभ्यो नमो श्री गुरु प्रेमानंदे श्री गुरु प्रेमानंदे श्री गुरु प्रेमानंदे भजनीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण
Yeah.
जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम भज राधा भज श्याम भज श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम भज श्यामा श्याम 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 राधे 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम परम करुण पतित पावन अश्रन शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री सदगुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर श्री महारास लीला के माध्यम से सत्संग लाभ करने का सुअवसर हमें आपको प्राप्त हो रहा है। कल श्री रास लीला के पावन प्रकरण में हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने वंशी के द्वारा गोपी जन का आह्वान किया और वे धन्य भाग गोपियाँ जो कृष्ण ग्रहित मानसा थीं, जिनके हृदय को प्रभु ग्रहण कर चुके थे, उन्होंने उस वंशी को सुना और अपनी तन मन की सुधि को विसार कर उसी वंशी ध्वनि के पीछे पीछे रास मंडल यमुना पुलिन पर प्रवेश किया और फिर किस प्रकार प्रभु का दिव्य दर्शन और सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये भी हमने श्रवण किया कि फिर कृपा प्राप्त करते हुए एक क्षण के लिए गोपियों के मन में ये भाव आया कि हमको ये जो कृपा प्राप्त हो रही है
ये हमारी किसी श्रेष्ठता का परिणाम है। यद्यपि गोपियों में मद नहीं हो सकता, ये सैद्धांतिक बात है, क्योंकि जब तक कोई भी विकार बाकी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें से कुछ भी बाकी है, तब तक वंशी तो सुनाई दे ही नहीं सकती, तब तक भगवान का साक्षात्कार तो हो ही नहीं सकता। तो गोपियों के भीतर किसी मद की संभावना नहीं है, ये लौकिक मान या अभिमान की बात नहीं है। तो ये जो लीला हुई, इसका पहला कारण तो जीवों के शिक्षार्थ ही है। हम जीवों को प्रभु ये लीला करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कुछ भी जीवन में कृपा प्राप्त हो वो केवल भगवान के अकारण करुण स्वभाव का ही परिणाम है, वो हमारी किसी योग्यता का परिणाम कभी नहीं हो सकती। तो पहला कारण तो जीव शिक्षार्थ है, और दूसरा कारण है कि प्रभु को गोपियों को वियोग रस का आस्वादन कराना है, अन्यथा ये गोपांगनाएं कोई सामान्य भक्त नहीं है। हम श्रवण कर रहे थे कि नारद जी ने उस प्रेम विद्यालय की, जिस प्रेम विद्यालय में दाखिला लेने के लिए, जिस ब्रज वृंदावन की भक्ति को पाने के लिए शंकर जी सनकादिक ब्रह्मा तपस्या किया करते हैं, उस प्रेम विद्यालय की आचार्यां हैं गोपियां। श्री परमानंद दास जी अपनी वाणी में गाते हैं कि गोपी प्रेम की धुजा, गोपी प्रेम की धुजा, जिन गोपाल कियो बस अपने, श्याम भुजा उर धरी श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रशंसा कीनी, शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सिराही, उद्धव संत सिराही, धन्य भा गोकुल की बनीता, धन्य भाग गोकुल की बनीता, ये अति पुनीत जग माही, ये अति पुनीत जग माही, ये गो प्रेम की ध्वजा, गोपी
पर कुल जन्म्यो कहा भयो जो पेत कुल जन्म्यो करी हरि सेवा नाही करी हरि सेवा नाही अरे सोई पुनीत दास परमानंद सोई पुनीत दास परमानंद जो सन मुख जाहि जो हरि सन मुख जाहि गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा मानो भक्ति एक भवन है तो जो शांत रस के भक्त हैं वह उस भवन की नींव हैं, जो दास रस के भक्त हैं वो उस भवन का फर्श हैं, जो सख्य रस के भक्त हैं वो उस भवन के खंभे हैं, जो वात्सल्य रस के भक्त हैं वो उस भवन की छत हैं, लेकिन जो मधुर रस के भक्त हैं वो उस भवन का शिखर हैं, और उस शिखर के ऊपर भी जो ध्वजा लगी हुई है वो ध्वजा गोपियां हैं। उनसे बढ़कर के प्रभु का प्रेमी और कौन होगा। ये रासलीला वास्तव में गोपियों का चरित्र है, और इनकी इतनी बड़ाई क्यों है। गोपी जन की कोई ऐसा नहीं महात्मा जिसने गोपियों की खुले हृदय से बड़ाई न की हो। यहां तक कि श्री कबीर दास जी महाराज, जिन्होंने अपनी वाणियों में कोई विशेष लीला रस नहीं गाया, पर एक बार वो गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे, किसी झुरमुट में राम राम रट रहे थे, तो उनको देखा कि पीछे से कबीर कबीर बोलने की आवाज आ रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि मेरे पीछे प्रभु बैठे हैं और माला में कबीर कबीर जप रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछा लाग्यो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर जी ने देखा प्रभु मेरा नाम रट रहे हैं, क्यों रट रहे हैं आप मेरा नाम प्रभु। भगवान ने कहा मेरा तो प्रण है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला प्राणी होता है बहुत मुझे प्रिय होता है, आपका मन गंगा जल के समान निर्मल हो गया है, मैं उन भक्तों को भजता हूं। तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछा लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तब ठाकुर जी को कबीर दास जी ने कहा प्रभु इस कबीर का नाम जपने से क्या होगा। तब कबीर जी ने प्रभु को कहा कि कबीरा कबीरा क्यों रटो, तो फिर क्या करें। बोले जा जमुना के तीर, वहां क्या होगा। बोले एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कभी। आप यमुना तट पे जाके गोपी गोपी रटिए, एक गोपी के एक आंसू में करोड़ करोड़ कबीर दास बह जाते हैं। तो कोई ऐसा महापुरुष नहीं गोपियों की प्रशंसा न की हो। तो गोपियों की बड़ाई किस लिए है। गोपियों की बड़ाई इसलिए है कि उन्होंने गृहस्थ में रहते, जगत में रहते, बाल बच्चों के बीच में रहते, अपने हृदय से संसार को संपूर्ण रूप में त्याग दिया। वो आगे गोपी गीत में भी कहेंगी कि हे श्याम सुंदर
पति विलंग तीन त्य अच्युतागता, हमने आपके प्रेम में सब कुछ छोड़ दिया। एक तो शरीर से छोड़ना होता है, एक हृदय से छोड़ना होता है, वो बहुत कठिन होता है। कलयुग में वेश धारण करना सहज है, अपने आप को भक्त कहलवाना बहुत आसान है, पर भक्त बनना बहुत कठिन है। भक्ति का नाटक करना बहुत आसान है, पर यथार्थ में भक्ति करना बहुत कठिन है। तो गोपियों की बड़ाई इसलिए, उन्होंने संपूर्ण रूप से हृदय से जगत को और जगत के संबंधों को विसार दिया, और संसारिक परिस्थिति में रहते रहते वो इतनी तन्मय हो गई कि उनको तन मन की सुधि नहीं रही। पुराणों में कथा आती है कि एक बार नारद जी वृंदावन आए दर्शन को, तो देखा भोर में कोई गोपी यमुना जी के तट पर बैठकर आसन बिछा के प्राणायाम पूर्वक नेत्र बंद करके कमर सीधी करके योग कर रही है। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस ब्रज में तो योग ज्ञान को पूछने वाला कोई नहीं, तो प्रेम की नगरी है, और वो भी गोपी योग कर रही है, वो भी सवेरे सवेरे। तब उसके पास गए और उससे कहा, अरे गोपी, आज तो बहुत आश्चर्य है, इस सारे ब्रज में तो सब नंद नंदन के प्रेम में विराजमान है, और तू योग कर रही नेत्र बंद करके, किसका ध्यान कर रही है, किसको पाना चाहती है? तब गोपी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, नारद जी, मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही, तो फिर योग आसन क्यों लगाए है? बोले, इसलिए योग मुद्रा में बैठी हूं कि थोड़ी देर के लिए नंद नंदन मेरे दिल दिमाग से निकल जाए, ताकि मैं कुछ रसोई का काम कर लूं, कुछ गौ सेवा कर लूं, कुछ बालकों की सेवा कर लूं। योगासन लगा के इसलिए ध्यान कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए नंद नंदन माथे से निकल जाए। ये गोपियों की स्थिति है, वे इतनी तन्मय हुई हैं, जैसी तन्मयता सबको सुलभ होती नहीं है। गोकुल लीला में आती हैं, नंद नंदन का दर्शन करने के लिए गोपियां जाती हैं नंद भवन में। अब यशोदा जी से कहें क्या, तो कोई ना कोई उल्हाना लेके जाती हैं, और नंद भवन में पहुंचती हैं और आंख बचा के अपने गले की मोतियों की माला तोड़ लेती हैं। अब वो सबरे मोती नंद भवन में बिखर जाते हैं, फिर कहती, मैया मेरी तो माला टूट गई, और फिर एक एक करके मोती बीनती हैं और नंद नंदन का दर्शन करती हैं। फिर झोली में मोती भर गए सारे, अब लगे कि अब जाना पड़ेगा, फिर आंचल छोड़ देती हैं। मैया के क्या बोलो, अरे मेरे तो हाथ छूट गयो, फिर मोती बिखर गए, अच्छा तो ठीक है, फिर बीनने लगती है मोती। सवेरे से संध्या हो जाती है, यशोदा भी जान जाती हैं कि मोती बीन रही है कि नंद नंदन का दर्शन कर रही है। ये उनकी तन्मयता है। दही बेचने के लिए जाती हैं, सुखदेव जी कहते हैं क्या स्थिति होती है, बोले, बिक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति दद्यादिकं मोहवशाद वोच गोविंद दामो दरमाधवेति। विक्रय करने के लिए दही को जा रही हैं, पर चित्त तो नंदलाल में लगा हुआ है, सिर पर दही की मटुकिया धरी है। गोपी दही बेचने चली, कहना चाहिए था दही ले लियो, दूध ले लियो, माखन ले लियो, पर गली गली में जाके क्या कह रही है, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई कन्हैया ले लो। सूरदास जी दर्शन करते हैं, अरे कोई ले लो री गोपाल ही, ददी को नाम श्याम सुंदर रस बिसर गयो ब्रज बाल ही, मटुकी शीश फिरत ब्रज बीथिन। सिर के ऊपर दही की मटुकिया है,
मटुकी शीश फिरत ब्रिज बीथिन बोलत वचन रसाल हैं। और सवेरे से संध्या हो गई घूमते घूमते, बोले उफनत मठा, दही में उफान आ गया, उफन उफन के मठा मुंह पे गिरने लग गया। लेकिन ऐसी बावरी हो रही है, उसे ये होश नहीं कि मेरे सिर पर मटुकिया धरी है, ये दही उफन रही है। उसको लगता आज मेरे घर शायद कन्हैया माखन चुराने आए हैं। तो देखो कछु खायो कछु ग्वालन खवायो, रीति कर मोहि दे गयो री। शायद ठाकुर जी ने कुछ दही पाई और कुछ दही का छींटा मेरे मुंह पर फेंक दिया है। तो उपनत मठा पे चहू दिस चितवत, बोलत वचन रसाल ही। हसत बुलावत बरजत रोवत, देखो इनकी चाल ही। सूर शाम बिन कछु न सुहावे, या बिरहिन बेहाल ही। अरी कोई ले लोरी गोपाल ही। ये इनकी तन्मयता है। कोई सिर पर मटुकिया लेकर के यमुना जी से जल लेने जाती है। रसिक महान भाव वर्णन करते हैं कैसी दशा होती है। बोले गोकुल की पनिहारी, पनिया भरन चली। गोकुल की पनिहारी, पनिया भरन चली। नैनन के बीच ताही सोहरयो कजरा, नैनन के बीच ताही सोहरयो कजरा। पहरी कसु भी सारी अंग अंग छवि भारी, पहरी कसु भी सारी अंग अंग छवि भारी। बोले गोरी गोरी बैयन में मोतिन के गजरा, गोरी गोरी बैयन में मोतिन के गजरा। हंसी हंसी बूझत है बात, संग की सहेली साथ। हंसी हंसी बोझत है बात, संग की सहेली साथ। तन मन की सुधी भूली शीश धरे गगरा, तन मन की सुधी भूली शीश धरे गगरा। नंद दास बलिहारी बीच मिले गिरधारी, नंद दास बलिहारी बीच मिले गिरधारी। अरे नैनन की सैनन में भूल गई डगरा, नैनन की सैनन में भूल गई गगरा। नैनन की सैनन में भूल गई डगरा, नैनन की सैनन में भूल गई गगरा। श्री प्रभु का दर्शन करते अब मार्ग याद नहीं रहा। जल की मटुकिया लेकर कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को, सर्वत्र श्याम सुंदर का दर्शन होता है। एक और, एक सखी गागर ले जमुना भरन गई, एक सखी गागर ले जमुना भरन गई, एक सखी गागर ले जमुना भरन गई, एक सखी गागर ले जमुना भरन गई। जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, यमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, यमुना के
के तीर नीर धुन सुन अटके, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी। एक घरी द्वैजु भई द्वैजु घरी चार भई, एक जुमे द्वैजु भई द्वैजु घरी चार भई, एक घरी द्वैजु भई द्वै घरी जु चार भई, एक घड़ी द्वैजु भई द्वै घड़ी चार जु भई, ठगीसी में ठाड़ी भई रूप देख चटकी, ठगीसी में ठाड़ी भई रूप देख चटकी, धोंदी के प्रवाह तहां प्रेम को प्रवाह चल्यो, धोंदी के प्रवाह जहां प्रेम को प्रवाह चल्यो, धोंदी के प्रभु तहां प्रेम को प्रवाह चल्यो, धोंदी के प्रभु तहां प्रेम को प्रवाह चल्यो, लोक कुल लाज काज सब दियो पटकी, लोक कुल लाज काज सब दियो पटकी, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी, जमुना के तीर नीर धुन सुन अटकी। यमुना जल भरने गई है मटुकिया लेकर के, और बस वहां पर वंशी को सुना तो संत जन कहते हैं एक घरी द्वैजु भई, हाथ से गगरिया छूट गई बह गई यमुना जी में। अब वो बावरी के नाई यमुना तट पर खड़ी है, और कैसे खड़ी है कितनी देर खड़ी है, एक घड़ी द्वैजु भई, एक घड़ी से दो घड़ी हो गई, दो घड़ी से चार घड़ी हो गई, चार घड़ी से आठ घड़ी हो गई। पर देखत ठगी सी भई देख रूप चटकी, धौंधी के प्रभु तहां प्रेम को प्रवाह चल्यो, लोक कुल लाज काज सब दियो पटकी। और वहीं विभोर हो गई, संध्या समय प्रभु का गौचारण करके लौटना होए, अब अपने घर के भीतर ही सब काम काज कर रही हैं, पर कान श्याम सुंदर की बंशी पर लगे हैं, और रसोई करते करते कितनी विवल हो जाती हैं कि आंखों से इतने अश्रुधार छूटते हैं कि चूल्हे में लगाने वाली लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। तब श्याम सुंदर के पास जाकर कहती हैं, हे नंद नंदन, तुम सब जब बेणु बजाओ तो बजाओ, पर इतनी प्रार्थना है संध्या समय मत बजाओ। क्यों? बोले बंशी सुन के हम बावरी हो जाती हैं, आंखों से अश्रु तो बरसते हैं, तुम्हारी बंशी सुन करके चूल्हे में लगाने वाली लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं, उनके भीतर भी प्रेमोदय हो जाता है, और चूल्हा नहीं जुड़ पाता, रसोई नहीं बन पाती, घर का काम रह जाता है। ये उनके प्रेम की स्थिति है। उन्हीं गोपियों को प्रेम दान भगवान इस रास लीला में कर रहे हैं। शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी उद्धव संत सिराही। जिस समय उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के गए, और पत्र प्रभु ने लिखा, और गोपियों को पता चला भगवान ने हमारे लिए पत्र भेजा, उद्धव जी पत्र देना चाहते थे, और गोपियों ने उस पत्र को लेकर के उसका टूक टूक कर दिया, एक एक टुकड़ा कर दिया, और कोई उस पत्र के ठूक को माथे से लगाती है, कोई आंखों से लगाती है, कोई हृदय से लगाती है। उद्धव कहते हैं किन बावरियों के बीच फंस गया मैं, इन्हें ये भी अकल नहीं कि पत्र पढ़ा जाता है कि माथे से और आंखों से लगाया जाता है। उद्धव जी ने कहा, अरे बावरियों पत्र पढ़ तो लेती कम से कम, ये आंखों से माथे से लगाने की वस्तु नहीं, पढ़ने की होती है। गोपिया कहती हैं, उद्धव हम किस पत्र को पढ़ें, हमने तो नंद नंदन श्याम सुंदर को पढ़ रखा है,
अब उनके पत्र पढ़ने की हमको जरूरत नहीं, तो माथे से आंखों से क्यों लगा रही हो पत्र को? बोले हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, सबे पूछन लगी। क्यों लगा रही हो? बोले इसलिए लगा रही हैं कि तुमने कहा ये प्रियतम के हाथ का लिखा हुआ पत्र है, तो इस कागज से हमारे प्रियतम प्रभु के हाथ स्पर्श हुए हैं, उनकी लेखनी इसमें लिखी हुई है, इसीलिए ये पत्र हमारे लिए पूज्य है, इसलिए हृदय से लगा रही। उद्धव जी का तो माथा बौर आ गया कि इन बावरियों को मैं ज्ञान का उपदेश कैसे करूंगा। तब बहुत समझाया था, अरे रोना धोना कोई बढ़िया बात नहीं है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, भजन रोने धोने को थोड़ो कहते हैं। और जिन श्री कृष्ण को याद कर रही हो वो परमात्मा है, सर्वव्यापक है, सब जीवों के भीतर विराजमान है, तुम रोती क्यों हो? अरे वो कहीं गए हो तब तो रो, तो क्या करें? बोले देखो मैं तुमको योग की शिक्षा दूंगा, ज्ञान की शिक्षा दूंगा, क्या करो? बोले योग आसन लगा के बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके दोनों आंख बंद करके और दोनों भ्रकटियों के बीच में ध्यान करो। तो कहा होएगा? बोले दोनों भ्रकटियों के बीच में तुम्हें अपना आत्म स्वरूप दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, और देखते देखते एक दिन उसी प्रकाश में लीन हो जाओगी, खुद ही परमात्मा बन जाओगी, और फिर रोना धोने से छुट्टी होगी। गोपियों ने कहा उद्धव जी पहली समस्या तो ये है कि उधो मन न भये दस बीस, तुम्हारे पास दस बीस मन होंगे, हमारे पास नहीं है, एक ही था उसको तो नंद नंदन ले गए, अब दूसरा मन लाए कहां से जो योग में लगा दें, ज्ञान में लगा दें। उधो मन न भये दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस। और एक बात तो बताओ, तुम भ्रक्तियों के बीच ध्यान लगाने को कहते हो तो क्या दिखेगा? बोले प्रकाश दिखेगा। तो ऐसे तो हम गंवार स्त्रियां हैं, पर एक बात जानती हैं कि हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। तो जिस प्रकाश की तुम बात कर रहे हो उसका कारण क्या है, माने उसका उद्गम क्या है, वो प्रकाश आ कहां से रहा है, हर कार्य के पीछे कारण होगा, तो ये बताओ हमें। अब उद्धव जी ने भी माथा खुजा लिया, बोले इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूं, हाँ इतना तो जानते हैं कि आत्मा का दर्शन हो जाता है उसी को योगी लोग साक्षात्कार कहते हैं, पर ये तो नहीं पता कि वो प्रकाश कहां से आ रहा है। तब गोपियों ने कहा हम बताएंगे उद्धव वो प्रकाश कहां से आ रहा है। बोले हमारे प्राण वल्लभ नंद नंदन के चरण कमल के अंगूठे के नख के कोने से वो प्रकाश निकल रहा है, और उस प्रकाश में अनंत अनंत योगी जन ज्ञानी जन विलय हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, सायुज्य को पार कर लेते हैं। अरे उद्धव तुम्हारा मन भर जाता होगा उस प्रकाश को देख करके, पर जिस श्याम सुंदर को हृदय से लगाया हो, जिनके रास विहार का दर्शन किया हो, जिनकी वंशी सुनी हो, जिनके कपोल पर चुम्बन किया हो, जिनको हाथों से माखन खिलाया हो, जो हमारे आंगन में नाचे हो, उनके चरण नख का प्रकाश देख के तुम्हारा पेट भरता होगा, हमारा नहीं भरेगा। हमें तो वो चरण देखने हैं जिन चरणों के नख से वो प्रकाश निकल रहा है, और फिर उसको देखना है जिसके चरण नख से प्रकाश निकल रहा है, इस प्रकाश से हमारा पेट नहीं भरेगा। तब उद्धव जी को लगा इन गोपियों की स्थिति क्या है, मैं तो समझता था बिना पढ़ी लिखी हैं, गंवार है। तब उद्धव जी घूमने लगे ब्रज में, एक देखा एक कुंज में गोपी बैठी बिल्कुल बावरी किसी दशा, गए लगता था उन्मादनी हो गई है, तो क्या देखा, उस गोपी के हाथ में खड़िया है और सारी कुंज की दीवारों पर एक 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 ऐसा बनाए हुए है। तब उद्धव जी ने कहा इसको क्या हुआ? तब जाकर के गोपी से कहा तू ये क्या कर रही है? गोपी ने कहा उद्धव जी
मैं दिन गिन रही हूं कि श्याम सुंदर कब आएंगे, क्योंकि वो दो दिन की कह गए हैं, परसों आने की कह गए हैं, तो दिन गिन रही हूं। उद्धव जी ने कहा, अरे बावरी, अभी तक दो ही दिन नहीं हुए, इतने सारा तूने दीवालों पर एक 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 लिख दिया, अभी दो नहीं हुआ तेरा? अरे बावरी, दो दिन तो कब के हो गए, एक जमा एक बराबर दो होता है, तूने तो कितने एक लिख रखे हैं। उस गोपी ने कहा, उद्धव जी नहीं, ये संसार के गणित में एक जमा एक बराबर दो होता होगा, प्रेम के गणित में तो एक जमा एक बराबर एक ही रह जाता है। भक्त और भगवान दोनों मिलकर के उनकी एक रुचि हो जाती है, एक प्राण हो जाता है। तो अब श्याम सुंदर और हमारे प्राण एक हो रहे हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। और तब तो गोपियां फिर अंततः श्री जी के चरण कमलों में पहुंचे, जहां करुणामयी अष्ट सखियों से घिरी विराजमान थी। और ज्यों उद्धव ने श्री जी को देखा, भ्रमर गीत के माध्यम से संवाद हुआ, और अंततः तो वो जो ज्ञान की गुदड़ी लेके आए थे, वो गुदड़ी खुल गई, फट गई, और उस पर गोपियों का इतना पक्का रंग चढ़ गया कि जो उद्धव समझाने के लिए आए थे, तीन दिन के लिए आए थे, संत लोग कहते हैं 6 महीना बीत गए वृंदावन में, और अंत में श्री जी के चरण कमलों की रज को माथे से लगाते हुए श्री जी से यही वर मांगा कि आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधिनाम या दुस्तजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेजुहु मुकुंद पदवीं श्रुतभि विमृगयाम भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतभि विमृगयाम। हे करुणामयी, मुझ पर दया करिए, मुझे इस वृंदावन की लता पता औषधि कुछ भी बना लीजिए। राधा रानी ने हंसकर कहा, ये वृंदावन की लता पता बनकर आप क्या करेंगे? बोले, हे करुणामयी, इस बार तो आपके प्रेम को समझने की, गोपी तत्व को समझने की मुझ में योग्यता नहीं आई, पर जब मैं इस वृंदावन की लता पता बन जाऊंगा, तब आपकी इन प्यारी काहव्यू रूपा गोपी जन की चरण रज उड़कर के मेरे ऊपर पड़ेगी, तब अवश्य मेरे भीतर गोपी प्रेम जुगल सरकार के उस तत्व का, उस प्रेम का बोध मेरे चित्त में हो पाएगा। धन्य है ये ब्रज गोपियां, या दुस्तजम सजनम आर्य पथम चहित्वा भेजु मुकुंद पदवी श्रुतवी मृगयाम। जिन श्याम सुंदर की प्राप्ति के मार्ग को श्रुतियां भी ढूंढा करती हैं, उन नंद नंदन में ऐसी तन्मयता इन्होंने प्राप्त कर ली, गृहस्थ में रहते हुए संसार को हृदय से त्याग दिया और मुकुंद के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया, ये गोपियां धन्य हैं। और अंत में उद्धव जो ज्ञान सिखाने आए थे, वे क्या कहने लगे कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभक्षिणशः या साम हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनात्रयम्। इन नंद ब्रज की गोप स्त्रियों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम है, जिनके गाए मुख के गीत के द्वारा, जिनके मुख से निकले हरि यश के द्वारा ये सारा भुवन पवित्र हो रहा है, त्रिभुवन पवित्र हो रहा है। इसलिए रास लीला सुनने की फलश्रुति भी यही है। आखिर में सुखदेव जी यही कहते हैं, विक्रीडितं ब्रजविदो भिरदं च विष्णु श्रद्धान्वितोनु शृणु यादत वर्ण यद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हिद्दोगमाश्वपहिनुत चीरेण धीरा। जो ब्रज वधुओं के साथ भगवान की इस क्रीड़ा को सुनते हैं,
अथवा गाते हैं अथवा स्मरण करते हैं उनको भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। और जो साधना में सबसे बड़ा हृदय रोग ये कामना है, काम है, इसकी निवृत्ति होती है। ऐसे कितने कितने महापुरुष ब्रज में जो प्रतिदिन रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। ये रास विहारी को प्राप्त करने का एकदम सहज साधन है, क्योंकि इसमें विशुद्ध भगवान के प्रेम में विभोर हुए उन भक्त गोपियों का चरित्र है। ये गोपियों के चित्त की स्थिति है, और ऐसी गोपियों के साथ प्रभु ने विहार किया। और कल हमने सुना था कि उस समय जब हृदय के भीतर सौभग मद उत्पन्न हुआ, तब भगवान श्री जी को लेके अंतर्ध्यान हो गए। इस अंतर्ध्यान लीला के अनेक कारण हैं। प्रथम कारण तो जीव शिक्षार्थ है, ये बाह्य कारण है। और अंतरंग कारण ये है कि श्याम सुंदर को प्रिया जी के साथ एकांतिक विलास करना है और उनको सेवा सुख प्रदान करना है, लीला सुख प्रदान करना है, इसलिए प्रिया जी को लेकर के सबके बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने का अर्थ ये भी नहीं है कि गायब हो गए। प्रिया जी को गोद में लेकर उन गोपियों के बीच में से ही निकले कुंजों में, पर लीला की ऐसी अचिंत शक्ति है कि अपने भीतर बीच में से जाते हुए श्याम सुंदर को भी गोपियां पहचान नहीं पाई, निहार नहीं पाई। और श्याम सुंदर प्रिया जी को लेकर के श्री वृंदावन में विहार करने लगे। कैसे सुंदर रूप में, बोले अनसन यस्त प्रकुष्ठाया करिणो करिणायथा। श्याम सुंदर ने प्रिया जी के इस कंध पर हाथ धरा है और श्याम सुंदर ने प्रिया जी के ऐसे गर्भियां देकर के श्री वृंदावन में यमुना पुलिन पर प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं और गोपियों को वियोग सुख प्रदान कर रहे हैं। उस समय कैसी झांकी है, रसिक महान भावों ने उस समय की झांकी को गाया है। नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया। अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया, श्याम भुजा अपने उर धरिया। नवल किशोर नवल नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया। करत विनोद तरणी तनया तट, करत विनोद तरणी विनोद तरणी तनया तट, करत विनोद तरणी तनया तट। श्यामा श्याम मोमग रस भरिया, श्यामा श्याम मोमग रस भरिया, श्यामा श्याम मोमग रस भरिया, किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल
बाल किशोर नवल नागरिया नवल किशोर नवल नागरिया उपमा को रवि शशि दो नाही 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 कोटिक प्राण वार ने करिया लिपटाई रहे उर अंतर लिपटाई रहे उर अंतर यो लिपटाई रहे उर अंतर यो लिपटाई रहे उर अंतर मरकत मणि ज्यो कंचन जरिया मरकत मणि ज्यो कंचन जरिया नवल किशोर नवल नागरिया नवल किशोर नवल नागरिया नवल किशोर नवल नागरिया नवल किशोर नवल नागरिया कृष्ण दास बलि बलि जोरी पे दास बलि बलि जोरी पे बलि बलि जोरी बलि बलि जोरी बलि बलि जोरी बलि बलि जोरी पे कृष्ण दास बलि बलि जोरी पे कृष्ण दास बलि बलि जोरी पे नंद नंदन वृष भानु दुलरिया 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 नवल किशोर नवल नागरिया 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 प्रिया जी के साथ गर्भैया देते हुए यमुना पुलिन पर विहार हो रहा है और कैसी वृंदावन की दिव्य शोभा है कैसी वृंदावन के रज की महिमा है प्रिया प्रियतम जहाँ चरण धरते हैं वहीं कमल प्रकट हो जाता है कमल के ऊपर चरण पधराते हुए दिव्य पुलिन में विहार कर रहे हैं और खूब खूब घनी कुंज के भीतर प्रवेश करते हैं अब घनी कुंज के भीतर कैसे प्रवेश करते होंगे बोले ब्रज की लता पता सामान्य थोड़ी हैं उद्धव जी सरीखे महापुरुष यहाँ लता पता बने हैं युगल सरकार जिस कुंज में जाना चाहते हैं अपने आप लता पता दाएं बाएं हो जाती है मार्ग दे देती है जिस कुंज में जाना चाहते हैं और फिर जिसमें प्रवेश करते हैं वापस लता पता मिल जाती है और प्रिया प्रियतम लता पताओं को स्पर्श करते हुए बार बार लता पता झूम झूम कर झुक झुक के युगल के चरणों के पास आती हैं ताकि युगल सरकार के चरणों का स्पर्श मिल जाए और जिस लता पता को प्रिया प्रीतम हस्त कमल से छू देते हैं उसका तो कहना क्या वो लता पता तो अपने सारे पुष्पों को सारे पराग को प्रिया प्रीतम के चरणों में ही बिछा देना चाहती है लता पता कोई सामान्य नहीं ये सब भक्त हैं ये सब परिकर हैं ऐसे लता पताओं के बीच में विहार करते भय श्री वृंदावन की शोभा निहारते भय प्रिया प्रीतम वृंदावन में विचरण कर रहे हैं कहीं श्याम सुंदर
उचक करके किसी ऊंचे वृक्ष को देखते हैं तो उस पर पुष्प उतार लेते हैं और पुष्पों को सुंदर डोरे में पिरोकर प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं। केश प्रसाधनम त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम तानी चूड़यता कांताम उपविष्ट इह ध्रुवम। श्री जी की चोटी गूंथते हैं, वेड़ी गुंथन करते हैं, सुंदर पुष्पों की चंद्रिका का निर्माण करते हैं, श्री जी को सुंदर पुष्पों के आभूषण धराते हैं और सुंदर बिछौना पुष्पों का बिछाते हैं, वहाँ विराजमान होते हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के विहार करते हुए, सुंदर सुंदर वार्तालाप करते हुए यमुना तट पर विहार हो रहा है। कभी कभी श्याम सुंदर प्रिया जी का जस गाते हैं, कभी प्रिया जी श्याम सुंदर का जस गाती हैं और कभी दोनों में बहुत रसभरी चर्चा होती है। चलते चलते प्रिया जी के हृदय में एक अनूठा भाव आया और श्याम सुंदर से कहने लगी, श्याम सुंदर प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं, प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं। श्याम सुंदर नेक अपनी मुरली देओ, अब मैं मुरली बजाऊंगी। प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं, प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं, 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 प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं, प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं। जोई जोई तान भरो मुरली में, जोई जोई तान भरो सोई सोई गाय सुनाऊं, सोई सोई गाय सुनाऊं, प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं, प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं, प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं, प्यारे तेरी मुरली ने कब जाऊं। और क्या करूं, अद्भुत भाव, मेरे भूषण तुम सब पहरो हो तुम्हारे सब पाऊं, मेरे भूषण तुम सब पहरो हो तुम्हारे सब पाऊं, अरे हमरे भूषण तुम सब पहरो मैं तुम्हारे सब पाऊं, हमरे भूषण तुम सब पहरो तुम्हारे मैं हूं पाऊं, हमरी बिंदिया तुम ही लगावो, हमरी हमरी बिंदिया तुम ही लगावो, हमरी बिंदिया तुम ही लगावो, मैं सिर मुकुट धराऊं, मैं सिर मुकुट धराऊं, मैं सिर मुकुट धराऊं, मुकुट धरा तेरी मुरली ने
ढोलक बजाऊं प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं तुम ददी बेचन जाओ वृंदावन मैं मगरो कन्याऊं तुम जद बेचन जाओ वृंदावन मैं मगरो कन्याऊं तुम दधि बेचन जाहु वृंदावन मैं मगरो कन्याऊं तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन मैं मगरो कन्याऊं तुमरे सिर माखन की मटुकिया तुमरे सिर माखन की मटुकिया तुमरे शिश माखन की मटुकिया तुमरे शिश माखन की मटुकिया मैं मिल ग्वाल लुटाऊं मैं मिल ग्वाल लुटाऊं मैं मिल ग्वाल लुटाऊं मैं मिल ग्वाल लुटाऊं तेरी मुरली नेक बजाऊं प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं माननी हो तुम मान करो मैं तुम्हारे चरण गाऊं माननी हो कर मान करो तुम मैं गही चरण मनाऊं माननी हो कर मान करो तुम मैं गही चरण मनाऊं माननी हो कर मान करो तुम मैं गही चरण मनाऊं सूर श्याम तुम बनो राधिका 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 नंदलाल कहाँ मैं नंदलाल कहाँ मैं नंदलाल कहाँ मैं नंदलाल कहाँ तेरी मुरली नेक बजाऊं प्यारे तेरी मुरली नेक श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं 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 तो कभी श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं कभी प्रिया जी बंसी बजाती हैं और राधा रानी और भी जोरदार बंशी बजाती हैं। अनेक बार रास हुआ है ना, जो गिरिराज जी में चंद्र सरोवर पर रास हुआ है वहां भी रास स्थली है, तो रसिक संतों का कहना है वहां श्याम सुंदर ने बंशी नहीं बजाई है, वहां राधा रानी ने बंशी बजाई है। वृंदावन में श्याम सुंदर ने बंशी बजा के सबको एकत्र किया है, चंद्र सरोवर पर राधा रानी ने बंशी बजाई है। और बड़ी अनोखी बात, भागवत जी वाले रास में ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए हैं और फिर गोपियों ने बाद में श्री जी ने भी पुकारा तब प्रकट हुए, चंद्र सरोवर वाले रास पे राधा रानी अंतर ध्यान हुई हैं और ठाकुर जी ने उनको पुकारा है। तो श्याम तेरी मुरली
नेक बजाऊं। तो श्याम सुंदर तो प्रिया जी को लेकर विहार कर रहे हैं, अंतर्धान हो गए हैं बीच में से, और गोपियां आत्महारा हो रही हैं, और उनको इस वियोग में तड़पने से तपने से लाभ क्या हो रहा है? लाभ ये हो रहा है, पहले तो एक प्रेमी और एक प्रेमास्पद था, अब वृंदावन का कण कण उनको अपने प्रियतम का रूप दिखाई दे रहा है। और तब तो गोपियां बिहबल होकर के वृंदावन में विचरण कर रही हैं, और एक एक वृक्ष से लता से श्याम सुंदर का पता पूछ रही हैं। सुखदेव जी रास पंचाध्यायी के दूसरे अध्याय में, माने दशम स्कंद के तीसवें अध्याय में वर्णन करते हैं, गोपियां वृक्ष लता पता से पूछ रही हैं, दृष्टो वा दृष्टो वा कच्चित् अश्वत्थ प्लक्षने ग्रोधनो मना नंद सूनोर गतो याता प्रेम हासावलोकनै। आहा, दृष्टो वा कच्चित् अश्वत्थ प्लक्ष ने ग्रोध नो मना, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, कोई पेड़ों से बात कर सकता है क्या? गोपियां पेड़ों से पूछ रही हैं। क्यों पूछ रही हैं? एक एक डाल में एक एक पात में उनको अपने प्रियतम ही दिखाई दे रहे हैं। अब उनको दिव्य चिन्ह में श्री वृंदावन धाम दिखाई दे रहा है, उनको कोई जड़ वस्तु नहीं दिखाई दे रही। कहती हैं, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंद सूनो गतो याता प्रेम हासावलोक नहीं, अपने प्रेम से, हास से, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से निहाल करते हुए सारे वन को आपने जाते हुए नंद नंदन को देखा है क्या? लेकिन पीपल ने कोई उत्तर नहीं दिया, पाकर ने, बरगद के पेड़ ने कोई उत्तर नहीं दिया। इन पेड़ों से इसलिए पूछा था चूंकि ये बरगद पीपल के पेड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं, और इतने ऊंचे कि इनकी डालें बहुत दूर तक फैली थी, तो सोचा था इनकी पहुंच दूर तक है, बता देंगे चारों ओर दूर से देखकर कहां है प्रियतम, पर जवाब नहीं दिया। गोपियां कहती, अरे ये तो बहुत ऊंचे हैं, हम छोटों से कहां बात करेंगे। तब यमुना के पुलिन पर जो छोटे वृक्ष थे, अशोक इत्यादि के, चंपक इत्यादि के, उनसे पूछने लगी, कच्चित् कुर्बकाशोक नागपुन्नाग चंपका। हे नाग के सर के, हे अशोक के वृक्ष, हे चंपक के वृक्ष, रामानुजो माननी नाम इतो दर्प हर स्मित। अपनी मुस्कान से माननीयों के दर्प को हरण करते हुए आपने रामानुज को, माने श्री बलराम जी के छोटे भाई को जाते हुए देखा हो तो हे अशोक के वृक्ष, आप हमें प्रियतम का पता बता दो। आपका तो नाम अशोक है, आपकी शरण में आए से शोक नहीं रहता। अरे चंपक, तुम बता दो, तुम तो भगवान को बहुत प्रिय हो। लेकिन इन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। तब एक गोपी दूसरी से कहती है, अरे तुम तो पुरुष जातीय वृक्षों से पूछ रही हो, ये क्यों गोपियों की व्यथा को जानने वाले हैं, ये नहीं उत्तर देंगे तो कौन उत्तर देंगी। आहा, तभी बड़ी सुंदर हरी हरी मंजरी से युक्त खिली हुई तुलसी जी दिखाई दे गई। गोपियां जाकर के तुलसी जी को प्रणाम कर रही हैं, तुलसी जी की परिक्रमा कर रही हैं, और अब वृंदा से वृंदावन बिहारी का पता पूछ रही हैं। क्या कह रही हैं? ओ कच्चित तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वा अली कुलैर बिभ्रत दृष्टस्ते
अति प्रियोच्युतः कच्च तुलसी कल्याणी। हे तुलसी, तुम तो कल्याणी हो, तुम्हारा तो अवतार ही जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए हुआ है, तो तुम हमारा कल्याण नहीं करोगी क्या? संसार में कहते हैं तुमको पूजने से कन्हैया मिलते हैं। हे तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुम गोविंद से बहुत प्यार करती हो और गोविंद तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आठ पहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी, शालिग्राम जी के ऊपर हर समय तुलसी दल चला रहता है। हे कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, और तुम्हारी महिमा कैसी है, सहत्वा अली कुलैर विभ्रत, तुम्हारी श्याम सुंदर गले में तुलसी माला पहने रहते हैं, चरणों में तुलसी चढ़ी रहती है उनको, और तुम कितनी प्यारी हो कि तुम्हारी माला के पीछे पीछे भमरा चलते हैं, लेकिन भवराओं से ढकी हुई माला होते हुए भी श्याम सुंदर सारी मालाएं उतार देते हैं, पर कभी तुम्हारी माला को उतार के किनारे नहीं धरते, उनके गले में सदैव तुम सुशोभित हो। तो हे तुलसी, और कोई नहीं, तुम तो बता दो। दृष्टस्ते अति प्रियोच्युत, जो अच्युत हैं, जो कभी अपने प्रण से अपने प्रेम से च्युत नहीं होते, ऐसे अच्युत को तुमने जाते देखा है क्या? पर तुलसी महारानी ने भी उत्तर नहीं दिया। तुलसी जी की बहुत महिमा गाई, उत्तर नहीं दिया। तब एक गोपी ने कहा, अरे तुलसी जी क्यों बताने लग गई, इनको तो कभी वियोग ही नहीं हुआ, ये तो सदैव ही श्याम सुंदर के चरणों पर चढ़ी रहती हैं, ये तो माला बन के सदैव गले में सुशोभित रहती हैं, इनको वियोग कहां हुआ जो ये हमारा दुख जाने। आगे चलो, आगे चले तो मालती के, जूही के, बेला के, इनकी लताओं को देखा, अरे इनसे पूछो, ये बहुत महक रही हैं, कैसी गमक के इनकी महक वृंदावन में प्रकाशित हो रही है, और देखो इनके कैसे खिले भए फूल हैं। एक सखी कहती है, क्यों खिले हैं? अरे चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है इसलिए खिल रहे होंगे वृंदावन के पुष्प। दूसरी कहती, नहीं नहीं, ये चंद्रमा को देख के नहीं खिले भए हैं, जरूर इन्हीं कुंजों से प्रियतम निकले होंगे, तो प्रियतम ने लता पता को छू दिया होगा, उस छूने के कारण ये इतनी प्रफुल्लित हो रही हैं। तब इन लता पताओं से पूछ रही हैं, मालती मालती अदर्शी वह कच्चित मल्लिके जाती यूथिके प्रीतिम वो जनयन याता कर स्पर्शेन माधवा। हे मालती, मालती अदर्शी वा कच्चित मल्लिके जाती यूथिके, हे मल्लिके, हे जूही, अवश्य कर स्पर्शेन माधवा, तुमको माधव का कर स्पर्श प्राप्त हुआ है, अरे ये तो बता दो कि किस दिशा को गए हैं, इतना तो बता दो किस दिशा को गए हैं। लेकिन वो लता पता भी उत्तर नहीं देती। उस समय गोपियां व्याकुल हो जाती, एक एक लता पता से रजकण से पूछती हैं। तब कोई कहता है, अरे ये भी नहीं बोलेंगी, क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर इनको कर स्पर्श कर गए हैं और इन्होंने अपना सारा प्रगाप, सारा सौरभ श्याम सुंदर के चरणों में अर्पण कर दिया है, अरे पृथ्वी से पूछो। तब पृथ्वी से बात करती है, हे पृथ्वी देवी, तुम्हारे जैसा तो कोई सौभाग्यशाली नहीं है, क्यों? क्योंकि सबको वियोग होता है, एक तुम ऐसी हो कि तुम्हें वियोग नहीं होता कभी, क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर के जो चरण है वो तो धरणी मंडनम है ना, तुम्हारे आभूषण है, तो तुम बताओ जो तुम इतनी खिल रही हो, ये क्या वराह अवतार में भगवान ने तुम्हें दाणों पे उठाया था इसलिए, या वामन अवतार में तुमको चरण से नापा था इसलिए, या सच बताओ इसलिए वृंदावन बिहारी तुम पर विहार करते हैं? एक गोपी ने कहा, वराह अवतार वामन भगवान वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन अब तो इस पृथ्वी के भाग का क्या कहना, श्याम सुंदर नंद नंदन
निरंतर इसको अपना संयोग प्रदान कर रहे हैं, पर पृथ्वी ने भी उत्तर नहीं दिया। तब हिरनों से पूछने लगी, हिरनियों को देखा, अरे हिरनियों तुम इतनी मद्मत्त होकर के उछल रही हो, नाच रही हो, भाग रही हो, जरूर तुमको कहीं श्याम सुंदर के चरण कमल दिख गए होंगे, और तुम तो सुगंध पहचानने में बड़ी निपुण हो, लगता है तुमको श्याम सुंदर की अंग गंध आ रही है। हे मेरी प्यारी हिरन बहन, मुझे मेरे प्रियतम का पता बता दो, अरे विधाता ने मुझे हिरन क्यों नहीं बनाया, उछल कर भाग कर दौड़ कर अभी ढूंढ लेती प्रियतम कहां गए हैं। कोई गोपी कहती है हमसे भाग्यवान तो ये लता पता है, कम से कम श्याम सुंदर के चरणों में पुष्प तो निवेदन कर देती। हिरनों से, पृथ्वी से, सबसे पूछती हैं, और पूछते 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 कैसी दशा हो जाती है, बोले इति उन्मत्त वचो गुप्या कृष्णानवेषण कातरा। उन्मत्त होकर के जाने अपने आप में क्या क्या बोल रही है, क्या क्या बात कर रही है, आज हर एक वस्तु उनको चिन्ह में दिखाई दे रही है। यह स्थिति कब प्रकट हुई, जब प्रियतम का वियोग हुआ, इसलिए वियोग नहीं तो संयोग किसको कहेंगे, वियोग के बिना संयोग की स्थिति नहीं है। इति उन्मत्त वचो गोप्या कृष्णानवेषण कातरा, श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कितनी तन में हुई, कितनी तन में हुई, बोले लीला भगवतस्तास्ता ही अनुचक्रु तदात्मिका। इतनी तन में हुई, इतनी तन में हुई कि तन में होते होते कृष्ण कृष्ण कहते श्री कृष्ण को ढूंढते यही मानने लगी कि हम ही तो कृष्ण नहीं है। उन्हें अपने हाथों में श्याम सुंदर के हाथों का दर्शन होने लग गया, उनके उनको अपने वस्त्र पीले दिखाई पड़ने लग गए, उनको अपने भीतर ही एक दूसरे के भीतर ही श्याम सुंदर देखने लग दिखाई देने लग गए। कोई कहने लगी मैं ही श्याम सुंदर हूं, दूसरी जाकर के उसका आलिंगन करती है, यह प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है, परस्पर में प्रियतम का दर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, और लीला भगवतस्तास्ता ही अनुचक्रु तदात्मिका। इस प्रकार नंद नंदन में तदात्म हुई है कि भगवान की लीला का अनुकरण करने लगी। और एक बड़ी प्यारी बात, जो रास लीला अनुकरण की, जो रास लीला वृंदावन का धन है, इस लीला अनुकरण की प्रथम आचार्या कौन है, सबसे पहले अगर किसी ने लीला का अनुकरण किया है तो वो गोपियां हैं। क्योंकि आचार्यों ने भले खूब रास विहार को गाया हो हमारे रसिक महानुभावों ने, पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि सबको प्रेरणा तो भागवत जी से ही मिली है, इससे पहले तो कहीं इस रस का वर्णन नहीं था। सबको प्रेरणा, सबका प्रेरणा का मूल स्रोत तो रास पंचाध्यायी है। अब गोपियों ने लीला का अनुकरण करना प्रारंभ किया, और मानो हमको बता रही हैं कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी खो जाएं तो घबराना मत, क्या करना, बोले रास लीला का आश्रय लेना। रास लीला का आश्रय लोगे तो एक दिन रास बिहारी की प्राप्ति हो जाएगी, और इस रास ने ही वृंदावन के स्वरूप को सुरक्षित रखा। अभी तो समय दूसरा है, अन्यथा तो इस रास लीला के द्वारा कितने कितने जन को भगवत प्राप्ति हो गई, इस रास लीला ने कितने कितने लोगों को सिद्ध बना दिया, कितने कितने चरित्र हैं ऐसे। रास लीला के ठाकुर को देख के पागल हो गए हमारे पूज्य महाराज जी, रासलीला के संरक्षण के लिए बड़े प्रयासरत हैं कि जो वृंदावन का वो प्राचीन स्वरूप है रास का, वो अखंड रूप से, और देखे जहां हम सब बैठे हैं ना, ये वास्तव में रास मंडल है, यहाँ ठाकुर जी रोज विहार करते हैं, ये रास मंडल में बैठे हुए हैं, और बढ़िया है रास पूर्णिमा पे रास मंडल में बैठ के रास की चर्चा हो रही है, इससे बड़ी कृपा की उपलब्धि क्या होगी। तो ही अनुचक्रु
तदात्मिका, इस प्रकार तदात्म प्राप्त हुआ कि लीला का अनुगमन करने लगी, अनुसरण करने। आनंद हो गया और किस प्रकार लीला के भीतर डूबी हैं, लीला का चिंतन करते करते तन्मय हो गई। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी श्री कृष्ण बन गई। पूतना उद्धार लीला का अभिनय हो रहा है, एक यशोदा जी बन गई, एक ने फूल की डोरी से कृष्ण बनी गोपी को उखल से बांध दिया, एक गोपी श्री कृष्ण बन करके गुडलियों चलने लग गई है, एक गोपी बकासुर बन गई, एक कृष्ण बन गई, बकासुर उद्धार लीला का अभिनय होने लग गया, एक अघासुर बन गई, एक श्री कृष्ण बन गई, अघासुर लीला का उद्धार होने लगा, एक गोपी कालिया नाग का स्वरूप धारण कर लिया, स्वरूप धारण करने से भीतर मन में यह आ गया मैं कालिया नाग हूं, दूसरी गोपी उसके कंधों पर विराजमान होकर जैसे मैं कालिया नाग को नाथ रही हूं ऐसी लीला का अनुसरण करने लगी। एक गोपी ने कहा, अरे सखाओं देखो वृंदावन में अग्नि लग गई है और मैं कृष्ण हूं, मैं अभी अग्नि का पान कर जाऊंगी, तुम सब नेत्र बंद कर लो। सब गोपियों ने नेत्र बंद कर लिए और जो कृष्ण भाव में आविष्ट गोपी थी उसने ऐसे ओक लगा करके सारी अग्नि का पान कर लिया। चार गोपियों ने अपनी चुनरी को लेकर किनारा पकड़ करके तान दिया, चार गोपियों ने मानो गिरिराज बन गए हो, और एक गोपी उस चुनरी के नीचे अंगुरी लगाकर ठाड़ी हो गई, मैंने गोवर्धन धारण किए हुए हैं। अरे भैया कोई इंद्र के कोप से मत डरना, वर्षा से मत डरना, मैंने गिरिराज धारण किए हूं, आ जाओ। गोपियां चुनरी के नीचे खड़ी हैं, हमको आपको तो सुनने में लग रहा होगा कि चुनरी है गोवर्धन कहां है, पर वो जो कुछ कर रही है उनको कहते के साथ उसी लीला का अनुभव हो रहा है, उनके चित्त के भी तो लीला का आवेश प्रकट हो रहा है, कभी गोवर्धन धारण लीला का। एक एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी बलराम बन गई, अब दोनों गले में हाथ डाल के ऐसे चल रही हैं जैसे कृष्ण बलराम गौचारण करके लौट रहे हो। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिब्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। लीला का चिंतन करते करते, लीला का अनुकरण करते करते कितनी तन्मय, कितनी तन्मय, कितनी तन्मय, उस तन्मयता का कैसे वर्णन हो सकता है। और भगवत प्राप्ति में हेतु तो तन्मयता ही है, इसीलिए सुखदेव जी पहले कह आए जब परीक्षित जी ने पूछा ना कि गुरुदेव गोपियों के गुणमय देह का कैसे त्याग हो गया, तब उन्होंने कहा राजन कामम क्रोधम भयम स्नेहम एक्यम सौहदम एव च नित्यम हरौ विदधतो तन्मयताम हिते। काम से क्रोध से भय से स्नेह से एक से सौहद से जैसे भी श्याम सुंदर में तन्मयता प्राप्त करनी है। जब शिशुपाल को वैर के कारण तन्मयता प्राप्त हो गई, उनका उद्धार हो गया, तो गोपी को तो प्रेम के कारण तन्मयता प्राप्त हो गई, आपको उनमें कहां संदेह हो रहा है। पर आचार्य लोग कहते हैं रास पंचाध्याय में जितने भी प्रश्न परीक्षित जी ने किए हैं वो उनके प्रश्न नहीं हैं, परीक्षित जी का ये स्तर नहीं है, परीक्षित जी ये सवाल नहीं कर सकते, तो क्यों किए हैं, उन्होंने बाकी सबके लिए किए हैं, क्योंकि जितने ऋषि बैठे हैं उनमें सबरे भगवत प्राप्त तो नहीं है ना, कुछ साधक श्रेणी के भी हैं, तो शायद और लोगों को यह बात खटके, तो परीक्षित जी उस समाज को देख के प्रश्न कर रहे हैं, ये उनके प्रश्न नहीं है। कैसी तन्मयता प्राप्त हुई है, खूब लीला का अनुसरण किया, विभोर हो गई, एक एक डाल से पास से प्रियतम का पता पूछ रही हैं, और तब तो एवं एवं कृष्णं पृच्छमाना वृंदावन लता तरुं
वृंदावन की लताओं से तरुओं से पूछते पूछते अचानक उनको एक निधि मिल गई। क्या निधि मिल गई? बोले एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लता तरुण। उसी समय क्या दिखाई दे गया? बोले पदानी वनुद्देशो नंद सुनो वनुद्देशो पदानी परमात्मना। श्याम सुंदर को वृंदावन में खोजते भय तरु लताओं से पता पूछते पूछते अचानक उनको उस वन प्रांत में श्री वृंदावन की भूमि में वनुद्देशो पदानी परमात्मना श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दे गए। और धन्य है महाराज, जैसे चरण चिन्हों को देखा, अब गोपियां भी कोई थोड़ी तो नहीं है, बहुत हैं, लेकिन ये उनकी भगवत भक्ति का स्तर है कि उन्होंने लाखों पद चिन्हों में अपने प्राण प्रियतम प्रभु के पद चिन्ह पहचान लिए। और जैसे भगवान के पद चिन्हों को देखा, देखो 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 तो सही, ये किसके पद चिन्ह है? बोले पदानी व्यक्त में तानी सखी, निश्चय ये हमारे प्रियतम के ही पद चिन्ह है। पदानी व्यक्त में तानी नंद सुनो महात्मना। बोले निश्चय कैसे हुआ? बोले लक्षन्ते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश यवादि भी। सारी गोपियां उन पद चिन्हों को घेर कर बैठ गईं। देखो तो इन चरणों में वज्र का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, यव का चिन्ह है, सखी अवश्य नंद नंदन के पद चिन्ह है। और सुखदेव जी कहते हैं जब वृंदावन में भगवान के चरण कमल दिखाई दिए, ओ उस भाव को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? गोपियां अपने वक्ष स्थल से उन चरण कमलों के चिन्हों के ऊपर घर्षण करने लग गई, उस रज को उठा उठा कर मस्तक से हृदय से लगा रही हैं। इतनी उनको भीतर ज्वाला हो रही भगवान के वियोग में कि कृष्ण चरण चिन्ह का दर्शन करके उनको लगता है नंद नंदन मिल गए हमको। वृंदावन की रज में चरण चिन्ह भर रहे थे, विभोर हो गई। पदानी व्यक्त में तानी सखी, निश्चय ये प्रियतम के चरण चिन्ह है। नंद सुनो महात्मना लक्षन्ते ही। अब अपने हृदय से पूछना है, श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में हमारी इतनी प्रीति है क्या? लक्षन्ते ही ध्वजां बोझ वज्रा अंकुश यवादि भी। उन चरण चिन्हों पर अपना हृदय रगड़ने लग गई, उस रज को उठा उठा करके नेत्रों से माथे से हृदय से लगा रही हैं। और सब गोपियां उन चरण चिन्हों को घेर कर गाने लगी, मन रे परस हरि के चरण, रे परस हरि के चरण, मन 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 रे परस हरि के चरण। सुभग शीतल परम कोमल, सुभग शीतल परम कोमल, सुभग शीतल परम कोमल, सुभग शीतल परम कोमल,
चरण चिन्हों को परस रही हैं, अपने हृदय से लगा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, विलाप कर रही हैं, और जैसे ही उन चरण चिन्हों को देखें तो ये चरण चिन्ह कहां जा रहे हैं। देखिए पूरी कृपा क्रम से हो रही है, पहले गायन किया, फिर वृक्षों से पूछा, फिर लता पता से पूछा, फिर तुलसी महारानी से पूछा, फिर लीला का अनुकरण किया, और लीला का अनुकरण करते ही
आप भागवत जी देखिए, तीसवां अध्याय दशम स्कंद का लीला का अनुकरण किया और करते ही नंद नंदन के पद कमल दिखलाई दे। लीला का अनुकरण करते, लीला में तन्मय होते, अब देखिए उन्नति हो रही है। श्याम सुंदर के चरण कमलों को देखते देखते पैर नहीं रख रही है, बचाते बचाते चल रही हैं, और जैसे आगे को चली तो अब दूसरी निधि मिल गई। अब क्या मिला? कस्या पदानी चैतानी गताया नंद सुनुना, कस्या पदानि चैतानि यातायानंद सुनुना, अंसन यस्त्र प्रकोष्ठाया करेणो करिणा यथा। अरे ये देख, ये दूसरे चरण कमल किसके हैं? पहले दो दिख रहे थे, अब चार दिखने लग गए। देखिए होंगे तो पहले से भी ना राधा रानी के चरण, ऐसा तो नहीं था। और श्याम सुंदर प्रिया जी को लेके गए हैं तो पहले से प्रिया जी के भी चरण चिन्ह होंगे, पर पहले दिखे नहीं, अब प्रिया जी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। और देखते ही कहा कस्या पदानी चैतानी, देख तो सही ये किसके चरण चिन्ह है। जरूर यातायानंद सुनना, पर्दे में बात कहनी है ना सुखदेव जी, प्रकट में तो श्री जी का नाम लेंगे नहीं, देखिए कैसे कैसे लेंगे। कस्या पदानी चैतानी, ये किसके चरण चिन्ह है दूसरे? अरे ये उन्हीं के चरण चिन्ह है यातायानंद सुनना, जिनको श्याम सुंदर गरबैया देके अपने साथ लेके गए हैं, आलिंगन देते भाई जिनको साथ लेके गए हैं सखी, ये उन्हीं बड़ भागनी के चरण चिन्ह है। और कैसे गए होंगे अनुमान कर रही है, कैसे गए होंगे? बोले अंसन यस्त्र प्रकोष्ठाया करेणो करिणा यथा, जैसे मदमत्त गजराज अपनी प्रियाओं के साथ में विहार करता है, ऐसे उनके अंश पर अपना हस्त कमल पधरा करके श्याम सुंदर जिन बड़भागी उन हमारी प्रिया को लेकर गए हैं, ये उन्हीं प्रिया जी के चरण चिन्ह है। और तब तो निश्चय हो गया वो कौन सी प्रिया है, चूंकि अभी तक गोपियां इस कदर विरह में व्यथित थीं कि उनको ये भी नहीं पता था कि श्री जी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि इतनी अधिक वो तन्मय है लीला में, उनको ये होश नहीं था कि श्री जी बीच में नहीं है। अब उनको लगा ये कौन के चरण चिन्ह है, तब अपने को देखा तो देखा कि राधा रानी नहीं है हम लोगों में, तब जान गई और कहने लगी है किसके चरण चिन्ह है। बोले अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर, अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो या मन यद रह। अरे अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर, अरे सखी ये किसी और के चरण चिन्ह नहीं है, ये तो श्याम सुंदर के द्वारा किसी आराधिका के चरण चिन्ह है। ये सुखदेव जी का तरीका है राधा रानी का नाम लेने का, प्रकट में राधा नहीं कहेंगे क्योंकि राधा कहते ही तो वो लीला सागर में डूब जाएंगे, फिर परीक्षित का उद्धार कैसे होगा, अभी तो बहुत कथा सुनानी। कहते हैं अन्याराधितो नूनम, ये जरूर किसी आराधिका के चरण चिन्ह है, जो श्याम सुंदर की आराधना करती है माने उनको सेवा सुख देती है, और जिनकी श्याम सुंदर आराधना करते हैं जरूर अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरह, जिनको साथ लेकर के श्याम सुंदर हमें त्याग करके याम अनयद रह किसी गोपनीय रह स्थान पर
जाकर के जिनके साथ विहार कर रहे हैं उन्हीं के चरण चिन्ह हैं। हम श्री जी का अनुगत्य नहीं कर पाए, हम अपने को श्री जी के समान मानने लग गए सखी, इसी कारण हमारी ये दशा हुई है। और जब राधा रानी के चरण कमल मिले हैं, ओहो, और दुगना, चार गुना, 100 गुना विरह हो गया। वस्तुतः गोपियों को श्याम सुंदर ने त्याग इसलिए है कि अब प्रिया जी के अनुगत्य में प्राप्त करें। तो पहले तो श्याम सुंदर के चरण चिन्ह, और जब श्री जी के चरण चिन्ह, ओहो, विभोर हो गई। प्रिया जी के चरण चिन्हों को लेके माथे से लगा रही हैं, उस रज को हृदय से लगा रही हैं। जावक जुत जुग चरण लली के, भगवत रसिक जी अपने एक पद में कहते हैं श्री जी के चरण कैसे हैं, बोले जावक जुत जुग चरण लली के। प्रिया जी के दोनों चरण महावर जावक माने महावर से रचित है। और कैसे हैं, बोले अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के। श्याम सुंदर का हृदय यदि कमल की कली है तो प्रिया जी के जो चरण कमल हैं वो अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, वो एक प्रेम के सूर्य के जैसे हैं, जैसे सूर्य को देख के ही कमल खिलता है, ऐसे श्याम सुंदर का हृदय भी प्रिया जी के चरण दर्शन के पश्चात ही प्रफुल्लित होता है। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के, अमंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। जावक जुत जुग चरण लली के। और अंत में कहते हैं सुर तरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के। भगवत रसिक के लिए राधा रानी के चरण कैसे हैं, बोले सुर तरु, सुरतरु माने कल्प वृक्ष। देवताओं के पास ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे चले जाओ, जो कामना करो पूरी हो जाए। तो मेरे लिए राधा रानी के चरण ही कल्प वृक्ष है सुरतरु। और कामधेनु, कामधेनु गैया देवताओं के पास है, उनके पास जो मांगो सोई प्रदान कर दे। तो मेरी कामधेनु भी श्री जी के चरण है। और चिंतामणि, चिंतामणि ऐसी मणि हो उसके पास जाओ सभी चिंताओं का हरण हो जाए। तो मेरे कल्प वृक्ष भी राधा रानी के चरण है, मेरी कामधेनु गैया भी राधा रानी के चरण है, और मेरी चिंतामणि भी राधा रानी के चरण है। जावक जुत जुग चरण लली के। अब गोपियां उन प्रिया जी के चरण कमलों को घेरे बैठी हैं, और अब पहले केवल श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही थी, अब प्रिया जी से भी प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी गोपियों के साथ प्रिया जी के चरण कमलों का ध्यान करें, प्रिया जी को पुकारें। इस भाव को बहुत समय पूर्व गुरुजनों की कृपा से इस भाव का उदय हुआ था, आज गोपियां इसी भाव को गा रही हैं। हम सब गांव में प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान करें, गोपियां श्री जी के चरणों को देखकर गाने लगी। लाडली के चरण लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे, लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे, इनकी ले के शरण इनकी ले के शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे, इनकी ले के शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे, लाडली के चरण mm-hmm.
ललिता के जीवन विशाखा के प्राण तुंग विद्या चित्रा करे जिनको ध्यान ललिता के जीवन विशाखा के प्राण तुंग विद्या चित्रा करे जिनको ध्यान चंपक लता इंदुलेखा रटे सुदेवी रंग देवी करे जिनको गान चंपक लता इंदुलेखा रटे सुदेवी रंग देवी करे जिनको गान सो तो नंद नंदन सो तो नंद नंदन मन मोहन के नैनो के तारे सो तो नंद नंदन मन मोहन के नैनो के तारे रचे इन में स्वरण के नूपुर सजे दो गौर चरण महावर रचे इन में स्वरण के नूपुर सजे सखी मन जो सेवित सदा रसिक जन जिने रैन दिन ही भजे सखिन मंजरिन सो जो सेवित सदा रसिक जन जिने रैन दिन ही भजे श्री वृंदावन जीने अपने हृदय
घड़ी श्री जी कब आएगी, चरणों की सेवा जो मिल पाएगी। निरख माधुरी दासी तुम्हारो सुयश गाएगी। नित नयन सो निरख माधुरी दासी तुम्हारो सुयश गाएगी। जिसने भी इनका सहारा लिया, समझो कि त्रिलोक उसका हुआ। जिसने भी इनका सहारा लिया, समझो कि त्रिलोक उसका की तो बिगड़ी बने आप ही, जिसको किशोरी ने अपना लिया। उसकी तो बिगड़ी बने आप ही, जिसको किशोरी ने अपना Yeah.
अपने बसामेंगी कब ना जाने मुझ पे कृपा होगी कब महलों में अपने बसाएंगी कब वे लाल से दो प्यारे चरण पतित को दिखाएंगी कब वे लाल से दो प्यारे चरण मौसी पतित को दिखाएंगी कब गौरे प्रिया जी के चरण चिन्हों को देख रही हैं। चरण चिन्ह ऐसे लगते हैं जैसे प्रिया जी के चरण कमल ही मिल गए हों और उन्हीं चरण चिन्हों को घेरे भय विभोर हो रही हैं, उन चरण चिन्हों से प्रार्थना कर रही हैं। ये गोपियों के चित्त की स्थिति है और यही गोपी भाव है। इसी गोपी भाव को प्राप्त करना है। गोपी भाव, गोपी माने एक अक्षर में अगर कोई गोपी शब्द का अर्थ पूछे तो सुखदेव जी कहते हैं गोपी माने कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण दर्शन की जो लालसा है, युगल दर्शन की जो लालसा है, उस लालसा का नाम ही गोपी है। और जिनको
युगल को प्राप्त करना है, उनको अपने भीतर ये गोपी भाव, ये सखी भाव प्रकट करना ही होगा। जब तक रत्ती भर भी कोई और लालसा या आशा बनी रहेगी, तब तक चित्त के भीतर वो विशुद्ध प्रिया जी के चरणों का प्रेम उदय होने वाला नहीं। घेर कर विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, रोते रोते उन्हीं चरण चिन्हों को देख करके मूर्छित हो गए। फिर लोभ जागा, फिर अब उन चारों चरणों को देखते देखते आगे बढ़ रही हैं, ये कहां चरण चिन्ह जा रहे, तो क्या देखा, एक गोपी ने कहा देखो देखो, इमानी अधिक मगनानी पादानी, यहां देखो ये चरण चिन्ह कुछ अधिक गहरे हो रहे हैं। इमानी अधिक मगनानी पदानी वहतो वधुम, अवश्य ही उन प्रियतम ने यहां उन प्रिया को अपने अंक में उठा लिया होगा, क्योंकि अब फिर दो चरण तो गायब हो गए और श्याम सुंदर के जो दो चरण थे वो अधिक गहरे हो गए हैं। तो इसका अर्थ अब ये है कि प्रिया जी चलने में असमर्थ हो रही होंगी, तो श्याम सुंदर ने जरूर अंक में उठाया होगा। इमानी अधिक मगनानी पदानी बहतो बधुम, गुप्य पश्यत, देख रही हैं, दिखा रही हैं, गुप्य पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिना, जरूर प्रिया जी के अंग भार के कारण चरण धस गए हैं। और आगे चली तो क्या देखा कि श्याम सुंदर के पूरे चरण नहीं दिखाई पड़ रहे, केवल आगे का ऐसे पंजा दिखाई पड़ रहा है, एड़ी नहीं दिखाई दे रही। देखो श्याम सुंदर के चरण का आगे वाले भाग का ही दर्शन हो रहा है, तो क्या समझती हो, बोले ये समझ रही हैं जरूर डाल ऊंची होगी पुष्प की। तो प्रिया जी की बैणी में पुष्प गूंथने के लिए श्याम सुंदर उचके होंगे ना, तो एड़ी के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे, पंजे के ही दिखाई पड़ रहे, ये अनुसंधान है। फिर और आगे गई तो देखा कि फूलों के बिछौना बिछे हैं, सुंदर कोमल हरे पल्लव के बिछौना बिछे हैं, दर्पण रखा है, डोरा रखा है। अरे देखो तो सही, जरूर केश प्रसाधनम त्वत्र, यहां प्रियतम ने प्रिया जी का केश प्रसाधन किया है, बेणी गूथी है, केश प्रसाधनम त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम, जरूर उस प्रियतम ने प्रिया जी का बेणी गुंथन किया। और देखो तानी चूड़यता कांताम उपविष्टम इह ध्रुवम, और जरूर यहां प्रिया जी का चूड़ा का निर्माण किया है, सिंदर शीस फूल का, चंद्रिका का, पुष्पों की चंद्रिका का निर्माण किया है। और कांताम उपविष्ट इह ध्रुवम, जरूर यहां पर अपनी कांता शिरोमणि श्री जी के साथ विराजे हैं। ये कहते कहते बीहड़ वन में जा रही हैं, गोपियों की तो ये दशा है, और उधर श्याम सुंदर श्री जी को लेकर के बिहार कर रहे हैं। सुंदर अनूप जोड़ी अति मन की भामती, देखी मैं आज दृग सौ कुंजन में आवती, जोड़ी का विहार हो रहा है। कैसी शोभा है, अंग अंग देत शोभा भूषण जड़ाऊ आली, अंग अंग देत शोभा भूषण जड़ाऊ आली, नैनों में सोहे कजरा अधरों पे पान लाली, और प्यारी के कांधे कर धर, प्यारे के कांधे कर धर प्यारी आनंद सो, और हंस हंस के करत बातें मुख ललित चंद सो। कैसी सुंदर शोभा हो रही है, और ऐसे रस उन्मत्त होकर के वृंदावन में विहार कर रहे हैं, और नारायण रसिक जन बिन यह रस न जाने कोई, उस जोड़ी का विहार हो रहा था। इधर चलते चलते प्रिया जी का अंग शिथिल हुआ। अब भागवत जी में तो केवल शब्दार्थ कहें तो शब्दार्थ का तो ये भाव है, केवल शब्दार्थ कहें तो फिर प्रिया जी को भी मान हो गया
और फिर श्याम सुंदर ने प्रिया जी को, जब प्रिया जी ने कहा मैं नहीं चल पाऊंगी, तो श्याम सुंदर ने कहा आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। और फिर जब प्रिया जी कंधे पर विराजमान होने लगी तो श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए और प्रिया जी फिर वहीं विराजमान हो गई। ये शब्दार्थ है, पर गूढ़ार्थ तो आचार्यों ने अपनी टीका में प्रकट किया है। प्रिया जी के भीतर मान कैसे हो सकता है? वहां तो वो जो मान है वो प्रेम जनित मान है, वो कोई लौकिक मान तो संभव नहीं वहां पर। तो श्याम सुंदर प्रिया जी को क्यों छोड़ रहे हैं? बोले प्रिया जी ही श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं। रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में हम सुन रहे थे कि ठाकुर जी ने योग माया जी का आश्रय लिया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन तुम मनश्चक्रे, योग माया मुपाश्रिते, योग माया जी का आश्रय लिया। और उस समय योग माया जी का अर्थ श्रवण किया कि कौन योग माया जी का आश्रय? बोले उस कृपा का आश्रय लिया जिस कृपा का प्रियतम से निरंतर योग बना रहता है, और जिस कृपा का योग बना रहता है और जो कृपा अन्य जीवों का श्री कृष्ण से योग करवाती है, उस वाली कृपा का आश्रय लिया। तो श्याम सुंदर ने प्रिया जी को नहीं छोड़ा, वे तो छोड़ नहीं सकते। तब राधा रानी ने ही प्रार्थना करी कि हे प्रियतम, हम आप तो विहार कर रहे हैं, अब गोपियों को विरह में खूब तपा दिया, अब उनकी तपस्या पूरी हुई, अब उनको स्वीकार कीजिए। तब श्याम सुंदर ने विचार किया कि अब बिना प्रिया जी की कृपा के गोपियां मुझे प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो वृंदावन की उपासना है ये तो आनुगत्य की उपासना है, ये स्वतंत्र स्वच्छंद उपासना नहीं है, ये तो आनुगत्य की उपासना है। और गोपियों को शायद पहले मिल करके भी प्रभु इसलिए बिछुड़ गए चूंकि उन्होंने श्री जी का अनुगत्य शायद नहीं किया था। श्याम सुंदर चाहते हैं अब प्रिया जी के अनुगत्य में मुझे प्राप्त करें, राधा दासी बनकर के मेरा सुख सेवा प्राप्त करें। तो जब राधा दासी बनकर के मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगी तब उनको ऐसी युगल सरकार की सेवा मिलेगी जिसमें कभी व्यवधान नहीं आएगा, जिसमें कभी रुकावट नहीं आएगी, जिसमें रस कभी खंडित नहीं होगा। इसलिए प्रिया जी को भी छोड़ दिया। और एक कारण और जीव गोस्वामी जी बताते हैं, जीव गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए भी छोड़ा कि गोपियों ने प्रिया जी की मिलन में कैसी स्थिति होती है इसका दर्शन तो किया था, मिलन का तो किया था रास में, लेकिन प्रिया जी का विरह किस कोटि का है उसका दर्शन गोपियों ने नहीं किया था। तो प्रिया जी के विरह का दर्शन भी गोपियों को हो जाए, और यथार्थ में जब प्रिया जी का दर्शन किया गोपियों ने तो पहले तो गोपियों को अपना विरह पर्वत जैसा लग रहा था, लेकिन राधा रानी के विरह के आगे उनको अपना विरह कैसा लगने लगा? जैसे सूर्य के आगे जुगनू की स्थिति होती है, ऐसा उनको विरह लगने लगा। तो श्याम सुंदर को प्रिया जी ने कहा स्कंद पर बिठा लीजिए, ऊंचा करके प्रिया जी को जो कंधे पे बिठाना चाहा सोई नंद नंदन अंतर ध्यान हुए। और प्रिया जी तो हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर कहते वहां वृंदावन में विराजमान हुई और बिलाप करके प्रियतम को पुकारने लगी। ये श्लोक श्री जी के मुख का है, क्या कहने लगी? हा नाथ रमण पृष्ठ, हा नाथ रमण पृष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शये सन्निधिं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ हे गोपीनाथ, हा रमण हे राधा रमण, हे प्रेष्ठ हे रास विहारी मेरे प्रियतम, क्वासी क्वासी महाभुज,
कहां हो हे महाभुज मदन मोहन कहां हो। दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम, अपनी इस दासी को वंचित मत करिए, अपना सानिध्य लाभ दे करके इस दासी पर कृपा करिए। ऐसे विलाप प्रलाप करते प्रिया जी विराजमान, और तब तो उन चरणों को खोजते खोजते गोपियां तो आ ही रही थीं, और खोजते खोजते वहां जैसे श्री जी का दर्शन हुआ, अब तो सब गोपियां प्रिया जी की सेवा में लग गई, और प्रिया जी के विरह के आगे उनको अपना विरह छीन लग गया। प्रिया जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हैं, बार बार दुख निवेदन कर रही हैं। प्रिया जी उनसे अपने हृदय की बात कह रही हैं, तब गोपियां कहती हैं, प्रिया जी कहिए प्रियतम की कैसे प्राप्ति होगी। तब अब श्री जी के आनुगत्य में श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। अब देखिए भावना कितनी कोमल है, गोपियां अभी और भी बीहड़ वन में जाना चाहती थीं, पर प्रिया जी ने कहा और न खोजो, क्यों हम जैसे और बीहड़ कुंजों और वन में खोजती चली जाएंगी तो शायद श्याम सुंदर भी हमसे बचने के लिए और घने वन में चले जाएंगे। यहां तक तो हल्का वन था, चंद्रमा की किरणें आ रही थीं, अब भीतर सघन कुंजों में तो चंद्रमा की किरणें भी नहीं आ रही हैं, तो भीतर और घने वन में जाने पर कहीं श्याम सुंदर को कष्ट न हो। तो कहां तो ढूंढे जा रही थी उस दिशा में, कहां लौटे आई। तब बोले अब कहां ढूंढे। तब श्री जी ने कहा प्रियतम जहां खोए थे वहीं ढूंढो। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पुनः पुलिनम आगत्य, पुनः पुलिन आ गई, पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। तब पुनः पुलिन पर आ गई। श्री जी ने कहा जो वस्तु जहां खोई है वहीं मिलेगी। कहते हैं एक कोई अम्मा थी, उसे दीखता कम था और उसकी सुई खो गई। अब सुई मिली नहीं, घर में अंधेरा था, बाहर खंबे पर बिजली लगी थी, वो अम्मा वहां आकर के सुई ढूंढने लग गई अपनी। बहुत देर हो गई, इतनी देर में वहां से एक नवयुवक जा रहा था, उसने अम्मा को कहा अरे अम्मा इतनी देर से तुम क्या ढूंढ रही हो कि बेटा मेरी सुई खो गई है। तो वो नवयुवक भी उस अम्मा के साथ में सुई ढूंढने लगा। अब बहुत देर हो गई ढूंढते ढूंढते, मिली नहीं। तब पूछा अम्मा गिरी कहां थी सुई, कि बेटा गिरी तो भीतर थी। तो यहां क्यों ढूंढ रही हो फिर, बोले इसलिए ढूंढ रही हूं कि यहां उजाला है। तब युवक ने कहा मैया यहां भले उजाला है पर सुई मिलेगी वहीं जहां गिरी है, समान मिलेगा वहीं जहां गिरा है। अर्थ ये है यदि हमारी शांति हमारा सुख हमारा आनंद भीतर खोया है, घर द्वार में खोया है, और हम उस शांति सुख को ढूंढने हरिद्वार में जाएंगे तो वो मिलेगा नहीं। जहां खोई होगी वस्तु वहीं मिलेगी, माने भीतर यदि गड़बड़ है उसको हमने सुधारा नहीं तो फिर कहीं की दौड़ भाग कर लें सुख मिलेगा नहीं। और ऐसे ऐसे भी रसिक महानुभाव हुए जो कि वृंदावन ही नहीं आए अपनी पूरी प्रकट लीला में। ऐसे कितने गौड़ीय वैष्णव हैं जो एक बार भी धाम नहीं आए, कहां कहां रहकर महाप्रभु की आज्ञा से नाम प्रचार किया, पर नाम प्रचार करते रहे महाप्रभु की आज्ञा से, पर लाखों हजारों मील दूर रहकर भी उनके चित्त के भीतर युगल विहार प्रकट हो गया। क्योंकि धाम जड़ वस्तु नहीं है, धाम तो चिन्मय है। जैसे पुकारने पर भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे धाम भी चित्त में प्रकट होता है। तो जहां वस्तु खोई होगी वहीं मिलेगी, ये समझ गोपियों को नहीं आई। तब श्री जी वापिस सबको पुनः पुलिनम आगत्य, वन में चली गई थी पर पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, और क्या करने लगी, बोले संवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षिता, अपने प्रियतम को सामूहिक रूप से पुकारने लगी, गाने लगी, रोने लगी।
तदागमन कांक्षता, उनकी आगमन की आकांक्षा से। और इसी श्लोक पर 30वां अध्याय विश्राम होता है। और अब श्री जी के आनुगत्य में गोपियां गोपी गीत गा रही हैं। बस यहीं से 31वें अध्याय का प्रारंभ होता है। और एक बड़ी सुंदर बात है कि भागवत जी श्री कृष्ण का देह है, ये भागवत जी में ही लिखा है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो भागवत जी भगवान का श्री अंग है, देह है, 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं, उनमें जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है। और हृदय में क्या रहता है, हृदय में पंच प्राण रहते हैं। तो 10म स्कंद भगवान का हृदय है और उस हृदय में जो पंच प्राण रहते हैं, ये जो रास के जो 5 अध्याय हैं 29, 30, 31, 32, 33, ये उस हृदय के पंच प्राण हैं। और इन पंच प्राणों के भी बीच में क्या है, 29 से 33 के बीच वाली संख्या क्या है, 31। और 31वें अध्याय में क्या है, 31वें अध्याय में ही गोपी का गीत है। तो माने सार का सार का सार का सार क्या है गोपी गीत में है, क्या गोपी गीत में भक्तों ने रोकर अपने प्रभु को पुकारा ही है ना, गोपियों ने रोकर प्रियतम को पुकारे ही है ना। तो माने सबरी भागवत जी का सार क्या है कि जिसको भी राधा श्याम सुंदर चाहिए, श्याम सुंदर को पाने का एक ही उपाय है कि उनको रोके पुकारा जाए, उनको रोकर पुकारा जाए, उनके नाम को, उनकी लीला को, उनके गुणों को पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो मिलोगे कब गोविंद राधे, यमुना तट आते जाते मिलोगे कब
मन अभी मान भुला के पुकारो रो के गोविंद राधे मन अभी मान भुला के पुकारो रो के गोविंद राधे रे मन मेरे गोविंद राधे तुम्हें तो 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 मेरे गोविंद राधे पीक दान बना के सेवा में राखो निकट बुला के महल पीक दान बना के सेवा में राखो निकट बुला के भले पीक दान बना के सेवा में राखो निकट बुला के भले पीक दान बना के सेवा में राखो निकट बुला के करहु कृपा गोविंद राधे करहु पुकारो रोके गोविंद राधे
तो सबने रोकर प्रभु को पुकारना प्रारंभ किया। पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। तो प्रिया जी के अनुगत्य में गोपियां गा रही हैं। इस गोपी गीत का कनक मंजरी छंद है। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि संसार में कोई बहुत बड़ा गीतकार हो, कलाकार हो, कोई गीत जब गाता है तो सुनते हैं कितनी बार अभ्यास करता है वो, साज वालों के साथ, दोहराने वालों के साथ, तब कोई गीत गाता है कोई गीतकार। पर धन्य है ब्रज गोपियां, ये कोई गीतकार नहीं है। सबसे पहली बार इस भाव से प्रियतम को पुकार रही हैं और किसी ने एक श्लोक को दोहराया नहीं है। माने किस प्रकार श्री जी से, श्याम सुंदर से भाव का तादात्म हो गया है कि सब गोपियों के मुख से एक ही साथ एक ही शब्द निकल रहा है, एक ही भाव निकल रहा है, एक ही लय, एक ही ताल, एक ही शब्द, एक ही भाव, एक साथ सब रो करके प्रभु को पुकार रही है। कोई आगे पीछे नहीं है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि समस्त गोपियां राधा रानी की कायु रूपा है ना, अपने प्रियतम प्रभु को सुख देने के लिए श्री जी ने ही अनंत रूप धारण कर रखे हैं ना। तो फिर इन सबके देह बहुत सारे हैं, पर इन सबके प्राण एक हैं, भाव एक है, रुचि एक है, भावना एक है, इसलिए सब मिलकर के पुकार रही हैं। तो बहुत सुंदर गोपियां गा रही हैं, आइए हम भी गाएं। गोप्य उचुहु जयति ते अधिकम् सात्वता
गाने लगी। जयति ते धिकम जन्म नाव्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही दई दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वैधता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे प्रियतम, जब से आपका इस ब्रज मंडल में प्राकट्य हुआ है तब से इस ब्रज की शोभा वैकुंठ से भी अनेक गुना बढ़ गई है, क्योंकि तब से वैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी जी वैकुंठ का त्याग करके इसी ब्रज में निवास कर रही हैं। और हे प्रियतम, आपके प्रकट होने से ब्रजवासियों का समस्त दुख दूर हो गया, सब पीड़ा दूर हो गई, सब प्रसन्न हो गए। लेकिन हे प्रियतम, आपकी कृपा से सारा ब्रज प्रसन्न और संपन्न है, लेकिन हम इस ब्रज में आपके विरह से व्याकुल होकर आपको खोज रही हैं, आपको ढूंढ रही हैं, ये उचित नहीं है। ब्रज की शोभा वैकुंठ से भी अधिक है, वैकुंठ भी नगण्य है ब्रज के आगे। कारण क्या है? चूंकि जो लीला ब्रज में होती है वो वैकुंठ में नहीं होती। क्या ठाकुर वैकुंठ में माखन चोरी करते हैं कि छछिया पर छाज पे नाच नचावे? क्या वैकुंठनाथ किसी भक्त के आगे छछिया पर छाज पे नाचते हैं? कैसी कैसी मधुर लीला है। श्याम सुंदर किसी गोपी के घर पहुंचे, वो सवेरे सवेरे गैया की सेवा कर रही, गोबर उठा रही, उपले बना रही। प्रभु पहुंचे, देख के निहाल हो गई। सवेरे सवेरे नंद नंदन का मुख कमल दिख गया। ठाकुर जी कहें, भाभी मोकु भूख लगी है, मोकु ने एक माखन खवाए दे। अब ऐसा नहीं, गोपी तो बड़े भाग जो प्रभु पधारे माखन खवा दे, लेकिन अब बातों में उलझा रही है, सीधे खवा दो तो तुरंत ही चले जाएंगे। तो कह रही है कि माखन तो खवाए देती, पर तुम करोगे कहा? तू बता, तू कहा करवानो चाहे। बोले, अभी तो मैंने बिलोयो नहीं, माखन तो है नहीं ताजो। तो फिर कहा है? बोले, छाज धरयो है असो भी पिछले दिना को, तो छाजी पिला दे। अब जशोदा मैया के घर पे माखन नहीं है, पर उनको गोपी के घर की बासी छाछ पीने में ज्यादा आनंद आता, तो छाछ पिवा दे। तो कहा करोगे, बता तू कहा करवानो चाहे। तो ऐसा है, एक छछिया छाछ पे एक ठुमका, तुम ठुमका दे के नाचो, अब मैं तुम्हें छाछ पिवाऊंगी। और कितनी छाछ छछिया, छछिया जानते हैं ना कि हथेली को ऐसे सीधा करते हैं जब, तो सहज में हथेली में गड्ढा बन जाता है, तो इसमें जितनी वस्तु रुक जाए शायद आधा चम्मच भी छाज नहीं रुकेगी। हथेली पे कोई धर के देखे, सीधी हथेली करे तो कितना गड्ढा बनेगा, आधा चम्मच भी नहीं आवेगा। लेकिन रसखान जी तो कहते हैं, छछिया भर छाज पे नाच नचावे। बोले, एक छछिया छाज और एक ठुमका। सुखदेव जी कहे, राजन कर दर्शन, ऐसा भगवान कहीं नहीं मिलने वाला। अब ठाकुर जी कमर पे हाथ दे के ठुमका लगा रहे हैं, और गोपी ताली बजा बजा के नचा रही है, और कन्हैया नाच रहे हैं। एक झूमर देते, एक ठुमका लगाते, एक छछिया छाछ, ऐसे सौ ठुमका लगवा लिए और छाछ पी ली। अब ठाकुर जी बोले, अच्छा पेट भर गए, जा रहे हूं। अच्छा तो कब आओगे? अब कब आओगे? अच्छा बताते तो जाओ, संध्या को पधारोगे? कल सवेरे पधारोगे? कब पधारो? अच्छा आऊंगा। फिर चले, बार बार मुख मोड़ के देख रहे गोपी को। गोपी आंचल में अपना मुख ढक के रो रही है, जहां श्याम सुंदर के चरण पड़े वहां की रज उठा उठा के माथे से लगा रही। काऊ गोपी के घर पहुंचे, वो गैया की सेवा कर रही सवेरे सवेरे, भाभी मोकु भूख लगी है। अरे तुम्हारी मैया तुम्हें कछु ना खवावे, मैया के हाथ को इतनो मीठो ना लगे जितनो तेरे हाथ को लगे, मुकुन एक माखन खवाए दे। अरे अभी तो
मैंने मथो नहीं तो कल को रखो भयो होएगो। हाँ कल को तो है तो वो ही माखन खवा दे। तो तुम कहा करोगे? जो तू कहेगी सोई कर देंगे। तो ऐसा है मैं गोबर उठाए के किनारे डाल रही हूँ, उपला बनाऊंगी, तो तुम मेरी हेल उचवा दो। हेल उचवा दो माने वो जो गोबर का जो पात्र है उसको उठवा दो, सहारा लगवा दो, मैं सिर पे रखूंगी। हेल उचवाए दो। तो हेल उचवाए दूंगो तो हिसाब किताब कैसे होएगो? बोले एक हेल उचवाई पे एक माखन की गोली दूंगी। ठाकुर जी ने कही ठीक है, तो एक हेल उचवाई पे एक माखन की गोली, तो तेरा गोबर तो घनो है, तो घनी हेल उचवेंगी। बोले हाँ। तो हिसाब किताब कैसे होएगा? तो कहीं तेरे मन में बेईमानी आ गई तो? अब गोपी कहे पढ़ी लिखी तो मैं हूं नहीं। ठाकुर जी के पढ़ो लिखो मैं भी नहीं हूं। तो पढ़ी लिखे नहीं हो तो तुम हिसाब किताब की इतनी बात क्यों करो? तो बोले फिर भी हिसाब किताब तो रखनो होएगो ना, कितनी हेल उचवाई कितनो माखन की गोली भाई। तो गोपी बोली ऐसा है एक हेल उचवाओगे ना तो एक गोबर की टिक्की तुम्हारे माथे पे लगाए दूंगी। अब जितनी टिक्की हो गिन लेना उतने माखन की गोली दे दूंगी। हाँ ये तो बढ़िया। अब ठाकुर जी हेल उचवा रहे, निक हेल उचाए जा रहे, छोरा नंद जू के रसिया हैं इस भाव के। निक हेल उचाए जा रहे रसिया नंद जू के, हेल उचवाए रहे। एक हेल उचवाई, अब गोपी ने गोबर लेके और माथे पे एक टिक्की लगा दी। फिर दूसरी हेल उचवाई, फिर दूसरी लगवा दी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब माथो भर गयो तो कपोल पे टिक्की लगनी शुरू हो गई। अब कपोल पे गोबर की टिक्की लग रही, पांच दस टिक्की लग गई। फिर गोपी को कोई काम ध्यान आयो, अरे अभी ठहरो में अभी आई। अब गोपी तो चली गई तो ठाकुर जी कहा कर रहे हैं? बोले देख तो रही नहीं, गोबर उठाए के पांच सात टिक्की और लगा ली अपनी, पांच सात टिक्की, ये वाला कपोल और भर लिया। थोड़ी देर बाद गोपी आई, क्या कन्हैया इतनी टिक्की तो नहीं थी पहले? ठाकुर जी कहे बेमानी आ रही, मोते इतनी मेहनत करवा ली, कह टिक्की नहीं, मैंने थोड़ो लगा ली, कोई अपने मुंह पे थोड़ो गोबर लगावेगो, तेने टिक्की लगाई है। और तब तो फिर पूरा मुख भर गयो। सुखदेव जी कहे राजन कर दर्शन, ऐसा भगवान कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान का दर्शन बैकुंठ में उपलब्ध नहीं है। वो बैकुंठ वाला भगवान तो सात ज्योड़ियों के भीतर रहता है। दूर से 500 लोग दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, वहां ऐसा काम थोड़ो होता है, ये ब्रज में ही होता है। अब मुख पे टिक्की लगी भाई है और फिर कन्हैया को गोद में लेके अब माखन की गोली खवा रहे और देख देख के निहाल हो रही। और फिर ठाकुर जी माखन आरोप के चले हैं, फिर कब पधारोगे? अब कब आओगे? संध्या को पधारोगे? कब पधारोगे? कब पधारोगे? फिर चल रहे हैं, बार बार देख करके सुख प्रदान कर रहे हैं। ये सुख कहीं नहीं है, ये सुख यही है। तो गोपियां कह रही हैं प्रियतम जयति तेधिकम जन्म नाव्रज, आपके प्राकट्य से तो इस ब्रज की शोभा वैकुंठ से भी बढ़ गई। लक्ष्मी जी तो वैकुंठ में स्वामिनी बनी हुई थी, लेकिन ब्रज में तो ब्रज रज में लौट रही हैं लक्ष्मी जी। नंदोत्सव में ठुमका देके नाची हैं लक्ष्मी जी। और देखो महारास का स्वादन करना चाहा ना लक्ष्मी जी ने, लेकिन कर नहीं पाई। तो आप जानते हैं आज भी यमुना जी के उस पार बेल वन में बैठी हैं लक्ष्मी जी, लोग दर्शन करने जाते हैं। बेल वन में आज भी लक्ष्मी जी बैठ के तपस्या कर रही हैं। बोले बड़े अचंभे की बात, जब भोले बाबा को प्रवेश मिल गया रास में तो लक्ष्मी जी को क्यों नहीं मिला? बोले भोले बाबा ने तो गोपियों का अनुगत कर लिया, मुनिंद बृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी गा दिया, गोपियों का अनुगत कर लिया तो रास में, पर लक्ष्मी जी से अनुगत नहीं हुआ। अब वे तो बैकुंठ की स्वामिनी है, दुनिया उनकी आराधना करती है, वो कमला, वो सारी दुनिया की अन्नदाता धनदाता। अब वो उन्होंने गोपियों का अनुगत्य नहीं किया, तो गोपियों का अनुगत्य नहीं किया तो उनको आज तक महारास में प्रवेश नहीं मिला।
वो यमुना जी के तट पर बेल वन में परली पार बैठ के आज भी तप में निरत हैं, तप में विराजमान हैं। तो कह रही हैं, गोपियां हे प्रियतम, तुम्हारे प्रकट होने से तो जैति ते दिकम जन्म नाव्रज। श्रेत इंदिरा शश्व दत्त, ये सारा ब्रज सुखी हो गया है, वैकुंठ की स्वामिनी यहाँ विहार कर रही हैं। पर हे प्रियतम, इस सारे ब्रजमंडल में हम ही दुखी हैं, तो आप हम पर कृपा करिए, हम आपको ढूंढ रही हैं। आप तो वृंदावन के कण कण में विराजमान हो, दोष हमारी आंखों में आ गया है जो आपका दर्शन नहीं हो रहा, हे प्रियतम आप हमें दर्शन दो। फिर आगे कहती हैं, शरदुदाशये साधु जात सत सर सिजोदर श्री मुषादशा वरदनाथ। तो हे श्याम सुंदर, शरद कालीन जलाशय के सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले अपने नेत्रों से आपने हमको घायल किया है। माने आप आर्तहर हो ना, किसी को कोई संकट आवे, किसी पे कष्ट आए और कोई आपको पुकारे तो आप उसके कष्ट का हरण करते हो। तो हे प्रियतम, हमको कोई जागतिक कष्ट नहीं है, कोई संसारिक संकट नहीं है, हमको दुख कौन बात का है, हम आपके उस प्रेम भरे भय नेत्रों से घायल हैं। तो वरद निघ्नतो नेह किम वधा, क्या शस्त्र से मारना ही मारना है, क्या प्रेम में नेत्रों से मारना मारना नहीं है। और वो हृदय धन्य हैं जिनके हृदय में श्याम सुंदर की प्रेम कटारी गड़ गई है, वही हृदय धन्य हैं जिसको श्याम सुंदर के लिए तड़पना आ गया है। इसलिए विनती करें कि अखंड दर्शन मध्यो हे युगल सरकार, एक बार झलक दे के भले अंतर ध्यान हो जाना। ऐसा भक्त लोग क्यों कहते हैं आपको पता है, कि झलक दिखा दो झलक दिखा दो। क्यों? क्योंकि जब झलक दिखा देंगे तो फिर वो भक्त स्वरूप को पाने के लिए पागल हो जाएगा, तड़प उठेगा, विभोर हो जाएगा, रो रो करके विह्वल हो जाएगा। तो हमेशा के लिए नहीं, एक बार झलक दिखा दो। तुम न मिलो, तुम्हारे से मिलने की लालसा तो बढ़ जाए, तुम्हारे लिए तड़पना और रोना तो आ जाए, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो हे प्रियतम, केवल शस्त्र से मार नहीं मारना नहीं है, ये नेत्रों का बाण तो सबसे ज्यादा घातक है। और यदि प्रभु आपको अपने विरह में तड़पा करके ही हमें मारना था, तो विषज लाप्यात व्याल राक्षसा द्वर्ष मारुतात वैद्यतानलात वृषभ यात्मचात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षितामु। आप हमें कालियानाग के विषैले जल से मर जाने देते, वन की आग से मर जाने देते, इंद्र के कोप से वज्रापात से मर जाने देते, आपने गिरिराज हमारे सिर पर क्यों नहीं छोड़ दिए, गिरिराज के नीचे दब जाने देते, मर जाने देते। उस समय तो हमारी बार बार रक्षा की, हमारे लिए कितना कष्ट उठाया। कालिया नाग को ना था गिरिराज उठाए, अग्नि तक पी गए, अघासुर बकासुर जाने कितने दैत्यों का नाश कर दिया, बार बार हमको बचाया, इस शरीर को बचाया। उस समय तो रक्षा की, और अब अपने विरह में हमको मारना चाहते हो। हे नंदनंदन, ये आपके लिए उचित नहीं है, आप तो संसार की रक्षा के लिए आए हो और हमको इस प्रकार विरह में मारोगे। एक बार और दर्शन दे दो और फिर कहो तो आपको देखते देखते आपके ऊपर प्राण न्योछावर कर देंगी, पर ऐसे तड़पा के नहीं मारो। फिर आगे कहती हैं, नखल गोपिका नंदनो भवा नखल देहि नाम मंत्र रात्मदृक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। हे श्याम सुंदर, हमको पता है आप केवल यशोदा जी के पुत्र नहीं हो, नखल गोपिका नंदनो भवा, आप केवल यशोदा जी के पुत्र नहीं हो तो कौन हो? आप समस्त प्राणियों के भीतर बैठे भये आत्म स्वरूप परमात्मा हो, ये हम जानती हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे आप संसार का भार उतारने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए
यादव कुल में प्रकट हुए हो, पर हे करुणामय, हे कृपा के सागर, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जगत की रक्षा करने को अवतरित हुए हो। सबकी रक्षा करोगे, हमारी नहीं करोगे? हम जगत में नहीं है क्या? तो हे प्रियतम, हे नंद नंदन, आप हम पर कृपा करिए, हमारे प्राणों की, हमारे भाव की रक्षा कीजिए, और एक बार फिर मुरली बजाते भए, मुस्काते भए हमारे सामने प्रकट होइए। फिर आगे पांचवें श्लोक से गाने लगी, वीरचिता भयम् वृषिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसदे भया विरचिता भयम् वृषनिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसते भर्याः कर सरोरुहम् कांत कामदम् शिरसिदेहिना श्री करग्रहम्। हे नंद नंदन, आपके जो चरण कमल हैं वो आश्रित को संसार भय के द्वारा नष्ट करने वाले हैं, संसार भय से द्वारा। और हे नंद नंदन, जो आपके कर कमल हैं वो तो आश्रित को अभय देने वाले हैं। हे श्याम सुंदर, आप तो वृषणी कुल के सिरमोर हो, इस जगत का संकट दूर करने के लिए प्रकट हुए हो, जिन हाथों से आपने लक्ष्मी जी का पाणि ग्रहण किया है। हे नंदनंदन, शिर सीधे ही न श्री कर ग्रहम, एक बार अपना वही हस्त कमल हमारे माथे पर पधरा दीजिए। कही कही वचन बिहसी मेरे सिर पर, कही कही वचन बिहसी मेरे सिर पर, कही कही वचन बिहसी मेरे सिर पर, सुंदर रूप भरोगे, यह सुंदर रूप धरोगे, सहचरी शरण रसिक आशिक मोही, सहचरी शरण रसिक आशिक
शिरसि देहिना श्री कर ग्रहम, अपना कर कमल हमारे शीश पर विराजमान कर दीजिए। व्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, निज जनन समय ध्वंस नस्मित, भज सके भवेत किंकर ही स्मनो, जल रुहाननम चारु दर्शय। हे प्रियतम, आप तो ब्रजजनों का आर्त हरण करने वाले हो, सबका कल्याण करने वाले हो। आपके मुख कमल को देखकर ब्रजवासियों को सुख प्राप्त होता है। हे प्रियतम, एक बार पुनः अपनों से अपना वो अलकों से घिरा हुआ मुख आप हमारे नेत्रों के सामने प्रकट कर दो, हमको धन्य कर दो। आपके दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और तब तो आगे गोपियां गाने लगी, प्राणात दे ही ना पाप कर शरणम कर्षनम तृण चरानुगम श्री निकेतनम। आपके चरण कैसे हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षनम, जो प्रणत होने वाले के अनंत जन्मों के पाप का नाश कर देते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षनम, एकमात्र आपके चरण कमलों को आश्रय जीव ले ले तो उस समय उसके अनंत अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षनम आपके चरण हैं, और वे चरण तृण चरानुगम, जो चरण वृंदावन में गाय और बछड़ों के पीछे पीछे चला करते हैं, तृण चरानुगम। और वे चरण कमल जो श्री निकेतनम है, जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, भगवान वैकुंठ में उठकर जाना चाहते हैं जा नहीं पाते, लक्ष्मी जी ऐसे कोमल हाथों से चरण दबाती हैं। पर देखो लक्ष्मी जी कितनी कोमल है, अब कोमल हाथों से चरण दबाती हैं, इतने पर भी नारायण के चरण लाल हो जाते हैं। और लक्ष्मी जी से कहती हैं निखौरे होरे निखौरे होरे दबाओ। और देखो जिन चरणों को लक्ष्मी जी दबाती हैं, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, और उनको ब्रज की कुंज गलिन में नंगे पाम उछलते देखा। जिनके चरणों को लक्ष्मी जी दबाते उठना नहीं चाहते, लक्ष्मी जी के दबाए से भी जो चरण लाल हो जाते हैं, और वे चरण तृण चरानुगम गैया बछड़ों के पीछे चलते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षनम तृण चरानुगम श्री निकेतनम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। और जिन चरणों को आप कालिया नाग के सिर पर रखने से भी संकोच नहीं करते हो, हमारी रक्षा के लिए तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम पम पग पग पटकत फन 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 फननी ऊपर, बिम 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 बिनत करत नाग बदुहारी, विविध विविध विद्यादर दम 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 देव सकल, गंग 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 गंधर्व नाचत दे तारी। ऐसे आपके चरण कमल फणी फणार पितम,
जिनको आप कालिया नाग के सिर पर भी धर देते हो। फणि फणार्पितम हे नंद नंदन, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु नः कृन्दिहच्छयम्। जिन चरणों की लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, जिन चरणों को बछड़ाओं के पीछे दौड़ाते हो, जिन चरणों को हमारे लिए कालिया नाग के सिर पर रखते हो, हे नंद नंदन उन चरणों को एक बार हमारे हृदय पर रख दीजिए। कृणु कुचेषु नः कृन्दिहच्छयम्, जिससे हमारे हृदय की ज्वाला दूर हो जाए। अपने वो दोनों चरण कमल हमारे हृदय पर विराजमान कर दीजिए। हे नंद नंदन मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणा। आहा, आपकी जो वाणी है ना मधुरया गिरा, ओहो एक एक पद अमृत से भरा हुआ। जब आप प्रिया जी को कहो ना प्यारी जू प्यारी जू प्यारी जू, रास करवे पधारिए, सांझी खेलवे पधारिए, अब रास को समय है गयो है, हे प्यारी जू पधारिए। ये जो आपके पद विन्यास हैं, ये जो आपको मुक्को निकलो भयो एक एक शब्द है, मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणा। ये आपके शब्द बड़े बड़े पंडितों को मोहित कर दें, ये कैसो भगवान। कुंभन दास जी एक बहुत सुंदर पद गाते हैं, एक गोपी आप बीती बता रही है, हम तो श्याम सुंदर के पीछे पड़े हैं, पर ब्रज में ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके पीछे श्याम सुंदर पड़े हैं। गोपी अपना मनोभाव बता रही है, कुंभन दास जी की वाणी है। कुंभन दास जी कहते हैं, बोले मायरी श्याम लग्यो संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले। तही जाऊं तितही आवत है, तही जाऊं तितही आवत है, जितही जाऊं तितही आवत है, जितही जाऊं तितही आवत है। अन बोले मोती बोले संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले। कहारी करूं ये नैना लोभी, कहारी करूं ये कहारी करूं इन नैना लोभी, कहारी करूं इन नैना लोभी। अरे बस कीने बिन मोले, मायरी बस कीने बिन मोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले। कुंभन दास लाड़ी लो गिरधर, कुंभन दास आ
दास लाडलो गिरधर हंसी हंसी घूंघट खोले हंसी हंसी घूंघट खोले हंसी घूंघट खोले मायरी हंसी हंसी घूंघट खोले मायरी श्याम लग्यो संग डोले मायरी श्याम लग्यो संग डोले 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 जित ही जाऊं तित ही आवत है और बिन बोले मोते बोले ये जो बिन बोले बोलना है बस यही मधुरया गिरा है गोपियां एक एक बात को इनके पास तो अनुभवों का खजाना है ना गोपियां कोई साधारण भक्ता तो है नहीं ये तो रात दिन प्रियतम प्रभु के साथ रहती हैं तो इनके पास तो अनुभवों का स्मृतियों का खजाना है अब एक एक बात को याद कर रही है और देखिए मिलन के समय प्रियतम की जो चेष्टा बहुत सुख देती है वियोग के समय वो सब चेष्टाएं बहुत दुख भी देती है जब उनकी स्मृति आती है ऐसे किया ऐसे किया ऐसे बोला ऐसे देखा ऐसे छुआ तो मिलन के समय जो चेष्टाएं अत्यंत प्रिय हैं वियोग के समय वो बहुत विरह कारणी है तो गोपियां उस विरह अग्नि में विभोर हो रही हैं, डूब रही हैं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्या प्रियतम तुम्हारे वाक्य बहुत मधुर है मैं तो वासों बोलू नाही मोए प्यारी कह कह बोले वृंदावन की कुंज गलिन में पीछे पीछे डोले लुट गई रे या की सूरत पे लुट गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई प्रेम कटारी रे मेरे हिय के पार उतर गई अब कहा करूं कांसों कहूं सजनी मेरे नैनन पर गई डोरी कहा करूं कांसों कहूं सजनी नैनन पर गई डोरी और आपहुं नाचे मोए नचावे आप करे बरजोरी मैं लुट गई रे या की सूरत पे लुट गई श्री हरिवंश कृपा के बलते अब ऐसो धन पायो राधा बल्लभ लाल परम धन दिन दिन बढ़त सवायो मैं लुट गई रे आपके वाक्य के ऊपर मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षणा विधे प्रियतम विधि करी रिमा वीर मुह्यति रधर सीधुना प्याय यस्वना वे आपके जो मुक्की दिव्य वाणी है वही हमारा जीवन है आपकी बंसी सुन के तो जीती हैं आपके मुख का वाक्य सुन के तो जीती हैं और आपकी वो मधुर शब्द कान में नहीं पड़े तो कैसे होगा तो हे प्रियतम आप अपना वही अधरामृत हमें प्रदान कीजिए हम आपकी हैं आपकी आश्रित हैं हे कृपानाथ अपना वो दिव्य अधरामृत हमें देकर कृतार्थ कीजिए तब तो गोपियां आगे गाने लगी तब कथामृतम तप जीवनम कवि कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्म शापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना आपका जो अधरामृत है वो अमृत है और उसके बिना हमारे प्राण छूट जाएंगे तो आप सोचते होगे कि फिर बिना मेरे
मधुर शब्दों के बिना मेरे दर्शन के कहती हो प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे, तो छूटे क्यों नहीं? माने कि प्रेम में कहीं कमी है, बहुत प्रेम होता तो छूट जाते। तो गोपियां उत्तर दे रही हैं, प्रियतम प्राण तो छूट जाते, लेकिन हो क्या रहा है? बोले तुम्हारा वियोग तो हमें मार रहा है और तुम्हारी चर्चा हमें जीवा रही है। तुम्हारा वियोग तो मार रहा है पर तुम्हारी कथा क्या है? तुम्हारी कथा अमृत है ना, तुम्हारा कथामृत हमें जीवा रहा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत के समान है जिनके जीवन तप्त हैं। देखिए दोनों के जीवन तप्त हैं, एक तो उनके तप्त हैं जो कि संसार में उलझे भए हैं, उनके त्रिताप से तप्त हैं, कभी दैहिक दुख, कभी भौतिक दुख, कभी दैविक दुख, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी कोई दुख, कभी कोई पीड़ा, संसारी भी तपी रहा है, तप साधक भी रहे हैं, तप रसिक भी रहे हैं। वो कौन से ताप में तप रहे हैं? वो जुगल सरकार के विरह ताप में तप रहे हैं, लेकिन उस ताप में और इस ताप में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो संसारिक ताप है वो तो माया जनित है, वो तो त्याज्य है, और ये जो आपका विरह ताप है प्रियतम, इस ताप से तपने के लिए तो शंकर ललायत रहते हैं, ब्रह्मा सनकादिक तरसा करते हैं कि वो दर्द हमें कम मिलेगा, वो ताप हमको कम मिलेगा। तो आपका जो कथामृत है ना, वो दोनों प्रकार के तापों के लिए अमृत है। माने संसारिक तापों से ग्रस्त व्यक्ति आपकी कथा सुने तो उसे भी शीतलता मिलेगी, और जो आपके विरह ताप से झुलस रहा है, आपकी कथा, आपकी रासलीला, उसका अनुकरण उसको बहुत सुख देने वाला है। तब कथामृतम तप्त जीवनम और कवि भिरीडितम कल्म शापहम। बड़े बड़े कवियों के द्वारा, ब्रह्मा जी, उद्धव जी, सनकादिक शंकर जी, इनके द्वारा आपका यश गाया गया है, और वो यश कैसा है? कल्म शापहम, सुनने वाले के कलमश का नाश करने वाला है। कल्म शापहम, और केवल कलमश का नाश करने वाला नहीं है, श्रवण मंगलम, केवल सुनने से मंगल करने वाला है। परीक्षित जी ने अपने जीवन में और कोई साधन नहीं किया, केवल कथा ही तो सुनी और एक ही बार सुनी, पर सुखदेव जैसों के मुख से कथा सुनी और परीक्षित बन के कथा सुनी, तो एक ही कथा ने बेड़ा पार कर दिया। चूंकि ये कथा श्रवण मंगल है, श्री कृष्ण जिसके भीतर भी प्रवेश करते हैं ना कानों के माध्यम से, अब आंखों के माध्यम से भी करते हैं, पर हम इस लायक नहीं कि आंखों के माध्यम से करें, तो हम आप जैसे जीवों के लिए क्या उपाय? कान माध्यम है, ये कानों के भीतर जो कथा जा रही है, ये जो भागवत जी के श्लोक जा रहे हैं, जो रसिकों की वाणी जा रही है, इनके रूप में नंद नंदनी भीतर जा रहे हैं, इन्हीं वाणी, इन्हीं श्लोकों को सुन के रसिक महानुभाव मूर्छित हो जाए, प्रेम में डूब जाए, कई कई दिन की समाधि लग जाए, इसके रूप में प्रभु ही भीतर जा रहे हैं। पर अभी ये कथा मैया क्या कर रही है? ये कथा तो मां के जैसी है, ये कथा मैया अभी हमें भीतर से साफ कर रही है। देखो पिता ने बच्चे को गोद में लिया हुए, अब बच्चा मल मूत्र त्याग दे तो क्या करता है पिता? ओह गोद से उतार दे, खुद नहीं छुएगा, मां को कहेगा सुन रही हो, देखो कपड़े खराब कर दिए। तो बाप ने तो त्याग दिया मल मूत्र करते ही, उस समय कौन उठाता है? उस समय मां उठाती है। उसने भले 5,000 रुपया की साड़ी पहन रखी हो, 10,000 की पहन रखी हो, जब अपने बच्चे को मल में सना देखती है तो वो ये नहीं देखती मेरे कपड़े पे मल मूत्र लग जाएगा, बच्चा रो रहा हो झट उसको गोद में उठा लेती है, और फिर क्या करती है? फिर उसका मल मूत्र साफ कर देती है, बढ़िया से नहला धुला देती है, पाउडर लगा देती है, इत्र लगा देती है, बढ़िया वस्त्र पहना देती है, पायल बांध देती, करधनी बांध देती, कठूला बांध देती, चोटी गूंथ देती, और फिर बच्चे को आंगन में छोड़ देती है। फिर क्या होता है? जिस बाप ने गोदी से उतार दिया था, अब वही बाप ताली बजा बजा के बुलाता है कि गोद में आ जाए। क्यों? चूंकि कथा मैया ने अब सजा के संवार करके सुंदर बना दिया, तो हे नंद नंदन तुम्हारी कथा तो मां के जैसी है,
और ये साधक संतान के जैसे हैं। ये कथा मैया तो साधक के अंतःकरण में जितनी गंदगी लगी है मल मूत्र, पहले इसको साफ करती है, हमको कथा मैया साफ करती है और फिर सजाती है आभूषणों से। आभूषण कौन कौन है? नौ आभूषण हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इन नवधा भक्ति के आभूषणों से सजा देती है। और जब साधक सज जाता है, संवर जाता है, फिर जब छोड़ता है तो राधा माधव का भी मन ललचाता है, फिर वो हाथ दे के बुला लेते हैं सखी को सेवा में। यही तो होता है ना। पर ये होता कैसे है? ये आपकी कथा के द्वारा होता है। चूंकि आपकी कथा कैसी है? श्रवण मंगलम। आपकी कथा सुनने से मंगल करती है, श्रवण मंगलम। और श्रीमदाततम कितनी विस्तृत है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और भोवी गृणंति ते भूरी दाजना। हमारी समझ में इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले दानी वो है जो आपके कथामृत का दान कर रहा है। जो व्यवसाय कर रहा है वो दानी नहीं है, जो दान कर रहा है। भूरी गृणंति ते भूरी दाजना। हमारी समझ में सबसे बड़े दानी वो हैं जो आपके रस का वितरण करते हैं। क्यों? क्योंकि भूखे को भोजन कराया, कितनी देर की भूख पूरी होगी? दोपहर को कराएंगे, शाम तक फिर लग जाएगी। प्यासे को पानी पिलाया, कितनी देर की प्यास बुझेगी? थोड़ी देर की। निर्धन को धन दे दिया, बेचारे के भाग में गरीबी लिखी, कितने दिन धन टिकेगा? उघाड़े को वस्त्र दे दिया, कितने दिन तन ढकेगा? थोड़ी देर। लेकिन किसी भटके हुए प्राणी को कथा सुनाकर यदि भगवान की ओर लगा दिया, यदि वो भगवत मार्ग पे लग गया, उसका जन्म जन्म का अभाव दूर हो जाएगा, उसका जन्म जन्म का क्लेश दूर हो जाएगा, उसके जन्म जन्म की शुद्धा की निवृत्ति हो जाएगी, माया की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति और परम सेवा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो सोचिए, इससे बड़ा दान क्या कोई है? इससे बड़ी कोई सेवा होगी क्या? नहीं हो सकती। इसलिए गोपियां कह रही हैं, भूरी गृणंति ते भूरी दाजना। हमारी समझ में भूरी दा वही है, हमारी समझ में दानी वही है नंद नंदन, जो आपके कथामृत का दान करते हैं। तो हे श्याम सुंदर, आपकी वो कथा हमको जिवाए है, नहीं तो प्राण कब से छूट जाते। पर प्रियतम, जिसकी कथा सुनते हैं ना, उसको फिर देखने का भी मन होता है। कथा सुनते सुनते आंखों से जल गिरता है, पद गाते गाते आंखों से आंसू गिरते हैं, गिरने ही चाहिए। हृदय द्रवीभूत होता है। किस लिए होता है? कि जिसकी चर्चा इतनी प्यारी है, उसका दर्शन कितना मधुर होगा, उसका स्पर्श कितना मधुर होगा, तो उसकी सेवा कब प्राप्त होगी, दर्शन कब प्राप्त होंगे। तो हे नंद नंदन, तुम्हारी कथा खूब कह ली, तुम्हारी लीला का अनुकरण खूब कर लिया, पर अप्रियतम आप प्रकट हो जाओ। अब जिसकी कथा कह रहे हैं उसको देखने की इच्छा हो रही है, एक बार गर्भैया दे के प्रकट हो जाओ, हम आपको देख के कृतार्थ हो जाएं। और गोपियां विभोर होकर श्याम सुंदर की स्तुति करने लगी। आज यही भाव को विश्राम देते हैं। गोपी गीत तो अभी आगे चलेगा, कल भी आगे गोपी गीत से ही रास की चर्चा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग पुनः सुबह 9 बजे उपस्थित हों और आगे दिव्य रास लीला को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। अभी आरती का दर्शन करके सब लोग प्रस्थान करेंगे और प्रेम से कहेंगे जय जय राधे। नयन भर देख लियो जोरी, नयन भर देख लियो यह जोरी, नयन भर देख लियो यह जोरी, नयन भर देख लियो ठाड़े नंद नंदन नागर, ठाड़े नंद नंदन नागर, उठाड़े नंद नंदन नागर,
भान किशोरी नयन भर उस विष भान किशोरी नयन भर इत वृष भान किशोरी नयन भर इत वृष भान किशोरी नयन भर देख लियो देख लियो यह जोड़ी नयन भर देख लियो यह जोड़ी इनके चटक चुनरिया सो है 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 उनके पीत पिछोरी नयन भर उनके पीत पिछोरी नयन भर देख लियो यह जोरी नयन भर देख लियो नयन भर देख लियो यह जोरी नयन भर देख लियो यह जोरी आहा हरि चंद दो कुंजन ठाड़े 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 हसत करत चित चोरी नयन भर हसत करत चित चोरी नैन भर हसत करत चित चोरी नयन भर हसत करत चित चोरी नैन भर ताई गौरा दे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरा दे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरा दे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरा दे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरा दे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरा दे श्याम हरे कृष्ण भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे ताई गौराधे श्याम से कहिए जय जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जी जी श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री लाडली लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव परीक्षित जी महाराज की जय हो सद्गुरु देव की जय हो श्री गुरु प्रेमानंदे नाथ गौर हरि